गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू सोना क्लासेस। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो चलिए देखते हैं विलयन के प्रकार। अभी तक मैंने विलयन को पढ़ा, अब से विलयन के प्रकार को देख लेते हैं, ठीक है। उनसे पहले मुझे कुछ बात आप लोगों से कहनी है। ये जो मैं आपको बोर्ड पे नोट करा रहा हूँ ना, मैंने पहले कहाँ से कहाँ तक पढ़ाया, पहले सबसे पहले मैंने आपको एक से लेकर छः क्लास तक, ऐसे तो पाँच क्लास तक केमिस्ट्री का ओवरव्यू था, लेकिन छठी क्लास जो थी उसमें भी बेसिक था आपका, नहीं था द्रव्यमान था, वेग था। तो वो मात्र यानी कि बहुत स्टूडेंट का ये कहना है कि सर आप नोट्स टेलीग्राम पे नहीं डाल रहे हैं, तो मैं ये कहना चाहूँगा मैं एक से लेके छः क्लास तक का नोट्स टेलीग्राम पे डाल दिया हूँ। एक पीडीएफ नोट्स जो है आपका वो एक से लेके पाँच क्लास तक का कंप्लीट है और दूसरा छः क्लास का है, उसके बाद का मैं नोट्स नहीं डाला हूँ। बोलिए क्यों? इसलिए मैंने डाला क्योंकि मैं जो आपको यहाँ पर लिखा रहा हूँ, नोट करा रहा हूँ ना, बिल्कुल नोट्स की तरह अच्छी तरह से लिखा रहा हूँ, ठीक है, डिटेल वाइज। इसलिए आप इसको अच्छी तरह से अपने नोटबुक में नोट कर लें, अच्छी तरह से सुंदर राइटिंग में, और उसके बाद इसको डेली रिवीजन करें जब जब टाइम मिले। अच्छा, आप लोग को पता है कि पढ़ने का तरीका क्या है रिवीजन करने का? जैसे कि मैं अभी पढ़ा दिया, तो उसके बाद आपको क्या करना है? तो चलिए देखिए मैं आपको बताता हूँ क्या करना है। सबसे पहले जैसे मैंने क्लास लिया, उसके बाद तो रिवीजन करना है ना, कम से कम किसी भी नोट कम से कम 7 से 8 बार आपको रिवीजन करना है। ऐसा नहीं कि एक दिन या दो दिन में, लगभग आपके 2 महीने के अंदर यानी 60 दिन के अंदर कम से कम 7 या 8 बार, ठीक है। अब कैसे रिवीजन करना है, जैसे आपका ये पेज है, जिस पेज को आप पढ़ रहे हैं, जैसे कि मैंने ये नोट कर लिया, ये मेरा क्या है कॉपी है, ठीक है, मैंने नोट कर लिया। तो आपको क्या करना है, पेंसिल लेना है, जिस टाइम उसको रिवीजन करोगे ना उसके ऊपर लिख देना है एक और डेट मार देना आगे, जैसे कि आज कितना तारीख है, जो भी मान चलिए 25 तारीख है, 25 मार देना है, ठीक है। अब दूसरा बार रिवीजन करेंगे, 2 लिख देंगे इसके इस, फिर मान के चलो 2 दिन बाद रिवीजन कर रहे हैं हम, 27 लिख देंगे। फिर 1 सप्ताह बाद रिवीजन कर रहे हैं, 3 लिखेंगे, मान लेते हैं कितना तारीख हो गया, 5 तारीख हो गया दूसरे महीने का, 27 के बाद दूसरा महीना आएगा ना, 5 तारीख की रिवीजन की। कम से कम इस तरह से आपको 7 से 8 बार रिवीजन करना है। और एक बात याद रखना है, इसको रटना नहीं है, मैं पहले भी समझाया था, अभी भी समझा रहा हूँ और आगे भी समझाता रहूँगा, ठीक है। बस क्या करना है आपको, इसको पढ़ना है समझते हुए कॉन्सेप्ट के साथ, ठीक है। मान के चलो मैं एक क्लास जो लेता हूँ आपका, लगभग एक पेज मतलब क्या बोलते हैं, इस साइड में होगा या फिर दूसरी साइड में, दोनों साइड आपका कवर करेगा एक पेज का। आपको उसको पढ़ने में जब पहली बार आप रिवीजन करोगे ना, मुश्किल से 10 से 15 मिनट लगेगा, अधिक से अधिक 20 मिनट, ठीक है। लेकिन जब आप तीसरी बार पढ़ोगे यानी दूसरी बार में कितना टाइम लगेगा आपको, मुश्किल से 5 मिनट, तीसरी बार 4 मिनट, चौथी बार उस तरह सबका टाइम घटते जाएगा, यानी कि आप 2 मिनट तक में जो ना एक पेज को कवर कर लोगे, मुश्किल से 2 मिनट काफ़ी हो जाएगा आपका, यानी कि एक क्लास सोचो आप 2 मिनट में कवर कर लोगे, यानी कि आपके कॉन्शियस माइंड में इस तरह से बैठा हुआ रहेगा ना, आप देखोगे अच्छा अच्छा ये तो जानता हूँ। बस वही होता है, इसलिए रिवीजन करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, कम से कम 7 से 8 बार। आपको रिवीजन करने में जो मेहनत आएगी ना, एक बार या दो बार, तीसरी बार मेहनत नहीं है, बस उसको देखना है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। विलयन के प्रकार, विलयन मूलतः 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। उसके सांद्रता के अनुसार, सांद्रता क्या होता है कि उसमें किस तरह से मिला हुआ है, क्या विलय, मैंने आपको बताया था ना, क्या बताया था, विलयन में विलयन जो बनता है किससे बनता है, विलायक प्लस विलय से, याद है बताए थे, ध्यान में तो होना चाहिए, रिवीजन तो कर रहे होगे, पक्का ध्यान में होगा, ठीक है। विलायक क्या होता है, जिसमें कि उसकी जिसकी मात्रा ज़्यादा हो, जैसे कि जल और चीनी का, यानी कि चीनी पानी का जो है ना, तो शरबत, यदि चीनी पानी का घोल बनाते हैं, विलयन बनाते हैं, तो उसमें क्या होता है, पानी क्या कहलाएगा आपका, विलायक, विलय क्या कहलाएगा, चीनी, आ रहा समझ में, ये दोनों को जब मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, वो विलयन। अच्छा चलिए देखते हैं चीज, विलयन क्या बोलते हैं, संतृप्त विलयन, किसी निश्चित ताप पर बना हुआ विलयन, जब भी हम पढ़ते हैं हमेशा निश्चित ताप को लेते हैं, कोई भी निश्चित ताप ले लिए, ठीक है। विलयन जिसमें विलय की अधिकतम मात्रा घुली हो, संतृप्त विलयन कहलाता है। मैं आपको एक दूसरे तरीके से समझाता हूँ, ठीक है। अच्छा मान के चलिए आप 1 गिलास पानी ले लीजिए, कितना लेना है, 1 गिलास पानी ले लीजिए, ले लिए। अब देखिए क्या करना है, इसमें
इसमें चीनी डालना है, क्या डालना है, चीनी, चीना नहीं चीनी, सॉरी चीनी डालना है। अब खुद देखिए, इसमें आप एक चम्मच चीनी डालिए, उसको अच्छी तरह से मिला लीजिए, ठीक है। फिर दूसरा चम्मच चीनी डालिए, फिर अच्छी तरह से मिला लीजिए, फिर तीन चम्मच चीनी डालिए, अच्छी तरह से घोल लीजिए, जब तक कि चीनी बिल्कुल लुप्त ना हो जाए, यानी कि दिखना बंद हो जाए। आप इस तरह से देखो कि एक टाइम ऐसा आएगा, आप चीनी डाल दिए हो लेकिन वो घुलेगा ही नहीं, ठीक है। कितना भी कोशिश कर लो आप, पूरा उसको जो है ना चम्मच से पूरा हिलाते रहो, क्या होगा, वो घुलेगा नहीं। जब ऐसा टाइम आ जाए, एक बार करके आप देख लीजिएगा घर में, ठीक है, 100% ऐसा होता है, मैं भी ट्राई कर रखा हूँ, ठीक है। जब ऐसा टाइम आ जाए तो आप समझ लेना कि पानी के अंदर जितना भी उसके कणों के बीच में रिक्त स्थान था, सारे में जाके चीनी अच्छी तरह से फिट बैठ चुका है, यानी कि अब उसमें कोई जगह नहीं बचा जहाँ कि मेरा चीनी जाके गुम हो जाए, यानी कि एडजस्ट हो जाए उसके कणों के बीच में। आ रहा है समझ में? तो मेरा कहने का मतलब, जब ऐसा घोल प्राप्त हो जाए, अच्छा ठीक है, गिलास में पानी ले, चीनी जब घुलना बंद हो जाए उस टाइम क्या करेंगे, उससे को ना छान लेंगे पानी को, ठीक है। तो चीनी ऊपर रह जाएगा, फिर पानी नीचे आ जाएगा, वो जो पानी बचा मेरे पास उसमें हम एक चीनी का एक कण भी डालेंगे ना, तो वो अब नहीं घुलेगा। जब ऐसा विलयन आपको प्राप्त होता है तो उसको क्या बोलते हैं, संतृप्त विलयन। आ रहा है समझ में? यानी कि ऐसा विलयन, अब देखो, अब इसको पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, किसी निश्चित ताप पर बना हुआ विलयन जिसमें विलेय की अधिकतम मात्रा घुली हो, विलेय की अधिकतम मात्रा घुली हो, यानी कि उसके बाद हम और घुलाना चाहेंगे तो वो नहीं घुलेगा, ठीक है। तो क्या कहलाता है वो, संतृप्त विलयन कहलाता है। आ गया समझ में? तो संतृप्त विलयन समझ में आ गया। अब चलिए देखते हैं वो संतृप्त विलयन। चलिए वो संतृप्त विलयन देखने से पहले हम एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं, एक और प्रैक्टिकल कर लेते हैं, ठीक है। उससे क्या होता है ना, प्रैक्टिकल करने से आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा, ठीक है। मान लीजिए ये आपका क्या, एक गिलास पानी है, है इसमें, चलिए हटा दीजिए, अब इसमें आप पोटेशियम क्लोराइड ग्राम। अब आपको लग रहा होगा ये पोटेशियम क्लोराइड है क्या, तो पोटेशियम क्लोराइड दिखता कैसे है, तो पोटेशियम क्लोराइड कैसा दिखता है, ऐसा दिखता है, ठीक है ना, कन्फ्यूजन नहीं होना। ये भी क्या एक पदार्थ है, रासायनिक पदार्थ है जिसका हम उपयोग करते हैं, जैसे नमक होता है, चीनी होता है ना, ये लोग हम लोग क्या करते हैं, डेली यूज में आता है, इसलिए हम इसको जानते हैं। कुछ ऐसे पदार्थ हैं, केमिकल है, जिसको हम नहीं जानते हैं क्योंकि डेली यूज में नहीं आता, यानी कि प्रतिदिन हम उसको इस्तेमाल नहीं करते हैं, या तो हो सकता है दवाई में यूज करते हैं, कहीं और कर लेते हैं तो पता नहीं चलता, ठीक है। तो इस तरह से दिखता है आपका पोटेशियम क्लोराइड, ठीक है। चलिए अब देखते हैं पोटेशियम क्लोराइड कितना है, 34.7 ग्राम। यदि हम 100 ग्राम जल में, इसमें कितना जल है, पक्का 100 ग्राम है, ठीक है, 100 ग्राम जल में, 100 ग्राम जल में पोटेशियम क्लोराइड को घुलाएंगे ना, तो कितना घुलेगा पता है, 34.7 ग्राम ही घुलेगा एक्यूरेट, उससे ज़्यादा घुल भी नहीं करेगा। उसके बाद आप दीजिएगा ना, कितना भी दीजिएगा, लेकिन हाँ एक कंडीशन है, कंडीशन क्या है, किसी निश्चित ताप पर। क्यों निश्चित ताप क्यों कहा गया है ये आपको समझना है। देखिए निश्चित ताप क्यों कहा गया है, मैं आपको बताया था ना, यदि हम ताप को निश्चित नहीं रखेंगे, निश्चित ताप पे प्रैक्टिकल नहीं करेंगे तो क्या होगा, सोचिए आप। यदि हम ताप मान के चलो अभी हम 20 डिग्री सेल्सियस पे प्रैक्टिकल कर रहे हैं, और वही चीज़ हम 50 डिग्री पे करेंगे, 50 डिग्री सेल्सियस पे, तो क्या होगा, ताप बढ़ गया, ताप बढ़ेगा तो क्या होगा बताइए, पदार्थ के कणों के बीच क्या होता है, रिक्त स्थान बढ़ेगा, बढ़ेगा ना, जब रिक्त स्थान बढ़ेगा तो उसमें क्या होगा, तो उसमें और ज़्यादा घुल सकता है, ठीक है। इसलिए हमेशा हम निश्चित ताप की बात कर रहे हैं। यदि हम निश्चित ताप ले लिए, कितना ताप, सामान्य ताप और दाब, मैं पहले भी बता रखा हूँ, सामान्य ताप और दाब क्या होता है, सामान्य ताप आपका होता है, सामान्य ताप आपका होता है 20 डिग्री सेल्सियस, और दाब कितना होता है, एक वायुमंडलीय दाब, बताया था ना, एक वायुमंडलीय दाब कहाँ पे मापते हैं, ये भी बताया था मैंने, समुद्र के तल की सतह पे,
वहाँ पर जितना वायुमंडल का दाब होगा ना, उसको क्या माना गया है, एक वायुमंडलीय दाब। हम उससे जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वायुमंडल का दाब क्या होगा, घटता जाएगा। ठीक है, चलिए पहले बता रखा हूँ, अभी भी थोड़ा सा बता दिया जो अगर ध्यान से हट गया हो तो। ठीक है, ताप कितना है, 20 डिग्री सेल्सियस। 20 डिग्री सेल्सियस कितना होता है, इसको बोलते हैं कमरे का ताप। कमरे का ताप कितना होता है, यदि आपको 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दिया जाए आपके कमरे में, आपको रहने में बड़ा अच्छा लगेगा। पता है, यदि आप गर्मी में 30 डिग्री हो जाता है, 35 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, या फिर 40 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, क्या गर्मी लगने लगता है, तो पसीना बाहर आना शुरू होता है, होता है ना। उसके लिए आप क्या करते हो, घर में एयर कंडीशनर लगाते हो, एसी। क्या लगाते हो, एसी। देख सकते हैं एसी कैसा है, आ रहा है समझ में ना। एसी दो तरह का होता है, एक होता है खिड़की में लगाने वाला, एक होता है ऊपर में लगाने वाला। ठीक है, तो चलिए देखिए, तो उसको एसी लगाने से क्या करता है, वो टेम्परेचर को कितना ला देता है, उसमें देखिएगा 16 से स्टार्ट होता है, 16 डिग्री सेल्सियस, फिर 16, 17, 18, 19, 20, उसको 20 पे सेट करके रखते हैं। क्यों, क्योंकि उस टाइम जो ना अच्छा लगता है शरीर को, यानी कि अपने शरीर को जो मेंटेन रखता है, यानी कि बढ़िया लगता है। चलिए छोड़िए वो सब, तो ऐसे बात हो गया। यहाँ क्या देखना है, कमरे का ताप कितना होना चाहिए, 20 डिग्री सेल्सियस को क्या माना गया है, सामान्य ताप और दाब, एक वायुमंडलीय दाब को। इसी पे हम प्रैक्टिकल करेंगे, जो भी हम केमिकल, जो भी हम रासायनिक में, रसायन में पढ़ेंगे, आगे भी इसी टेम्परेचर में हम सब कुछ करेंगे। ठीक है, ना तो इससे ज़्यादा रहेगा ना इससे कम रहेगा। यदि इससे ज़्यादा होगा तो क्या होगा, घुलने की मात्रा क्या हो जाएगी, विलेय की बढ़ जाएगी, बढ़ेगा ना। चलिए हम इसको लेके चल रहे हैं। ठीक है, अब देखिए, पानी लिए, गिलास ले लिए, अब इसमें क्या किए, एक कितना पानी लिए, गिलास में 100 ग्राम जल लिए हैं। ठीक है, उसमें पोटेशियम क्लोराइड घुला दिए, तो मैक्सिमम कितना घुलेगा, 34.7 ग्राम। कब, सामान्य ताप और दाब पर, यानी कि ताप 20 डिग्री सेल्सियस, दाब 1 वायुमंडलीय दाब पर। बात को समझिएगा, ये सबको लगता हार्ड है, ठीक है, लेकिन समझ के पढ़िएगा तो बहुत हल्का हो जाएगा। यदि 34.7 ग्राम घुल गया, उससे ज़्यादा अब नहीं घुलेगा, इसका मतलब क्या हुआ, ये विलयन, संतृप्त विलयन है, यानी अच्छी तरह से संतृप्त हो गया, नहीं तो संतृप्त हो गए हम, समझ रहे हो ना, संतृप्त हो गया। यदि क्यों संतृप्त हुआ भाई, पहले बताया था मैं, क्योंकि उसके जो रिक्त स्थानों का जो जगह है ना, अच्छी तरह से भर गया, अब उसमें दूसरा भरेगा ही नहीं भरेगा, कितना भी विलेय डालेंगे हम पोटेशियम क्लोराइड को, तो अब भरेगा ही नहीं भरेगा, यानी कि अब घुलेगा ही नहीं घुलेगा, यानी कि उसके खाली स्थान में नहीं जाएगा तो घुलेगा नहीं। अरे समझ में, चलिए यहाँ क्या हो गया, संतृप्त विलयन, समझ गए। यदि मान लेते हैं हम 34.7 ग्राम नहीं घुला के 100 ग्राम में, हम 20 ग्राम घुलाते हैं, कितना घुलाते हैं, 20 ग्राम पोटेशियम क्लोराइड घुलाते हैं, तो क्या होगा, तो फिर क्या होगा कि उसके बाद अगर यदि हम और 2 ग्राम दे देंगे ना, वो भी घुल जाएगा। कब तक घुलता रहेगा, जब तक कि विलेय की मात्रा, यानी कि पोटेशियम क्लोराइड की मात्रा 34.7 ग्राम ना हो जाए। आया समझ में, यदि किसी विलयन में उसको संतृप्त नहीं करना है, उससे कम यदि घुला हुआ हो, तो उसको क्या बोलेंगे हम, ओ संतृप्त, ओ संतृप्त नहीं है। ठीक है, यदि मान के चलो 34.7 ग्राम में संतृप्त हो जाता है, यदि 32 ग्राम घुलाएंगे तो क्या हो जाएगा, ओ संतृप्त। 34.6 ग्राम घुलाएंगे तो वो भी क्या होगा, ओ संतृप्त। आ रहा है समझ में, क्योंकि उसमें आधा ग्राम, क्या बोलते हो, एक ग्राम और घुलेगा, नहीं घुलेगा यदि हम 34.6 ग्राम घुलाएंगे तो उस विलयन को क्या बोलेंगे, असंतृप्त। तो देख लीजिए, किसी निश्चित ताप पर बना वह विलयन जिसमें विलेय की और अधिक मात्रा उस ताप पर घुलाई जा सकती है, उसी ताप पर, किस ताप पर, 20 डिग्री सेल्सियस, यानी जो जिस ताप पे हम प्रैक्टिकल कर रहे हैं, ठीक है, तो उसे क्या बोलेंगे, असंतृप्त विलयन कहलाता है। आया समझ में, क्या कह रहा है ये, यानी कि विलेय की और अधिक मात्रा घुला सकते हैं उसमें, समझ में आ रहा है, मैं भी क्या बताया था आपको, यदि हम 32 ग्राम घुलाते हैं तो और घुला सकते हैं, यदि 34.7 हो जाएगा तो संतृप्त हो जाएगा, उससे कम घुलाएंगे तो वो संतृप्त हो जाएगा, सीधी सी बात है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अति संतृप्त विलयन, वह संतृप्त विलयन जिसमें विलेय की मात्रा उस विलयन को संतृप्त करने के लिए, चलिए हटाइए ये सब, समझ में आपको नया आएगा लैंग्वेज, पहले आपको समझाना पड़ेगा ये अति संतृप्त है क्या। ठीक है, 100 ग्राम जल में मैक्सिमम अधिक से अधिक कितना विलेय घुल सकता है, कौन सा विलेय, पोटेशियम क्लोराइड, बताइए तो 34.7 ग्राम पता है, यदि हम इसमें 34.8 ग्राम पोटेशियम क्लोराइड घुला दें, कितना घुला दें, 34.8 ग्राम, किसमें, इसमें 100 ग्राम जल में, 1 ग्राम क्या हो गया, ज़्यादा घुल गया,
अब तो आप बोलोगे सर अभी तो आप बोले थे कि उससे ज़्यादा घुलेगा ही नहीं, तो अभी आप 34.8 ग्राम कैसे घुला दिए, बोलोगे ना भाई। देखो कैसे घुलाते हैं हम, इसके लिए क्या करते हैं हम, उसके ताप जैसे मान चलिए 20 डिग्री सेल्सियस पे कितना घूम रहा था, घुल रहा था 34.7 ग्राम, उसमें ताप बढ़ा देंगे। क्या बढ़ाएंगे, ताप बढ़ा देंगे, इतना ताप बढ़ाएंगे कि उसमें 1 ग्राम उसका थोड़ा सा जगह क्या हो और बढ़ जाए, इतना जगह बढ़ जाए कि उसमें 1 ग्राम और हम पोटेशियम क्लोराइड घुला सकते हैं। घुल गया, उसके अंदर चला गया, अब क्या करेंगे उस टेम्परेचर को कम करके फिर 20 डिग्री सेल्सियस पे ला देंगे, तो उससे निकलेगा नहीं वो। क्यों नहीं निकलेगा, मान के चलो कोई अच्छी तरह से दाब के रखा है तो निकलेगा, एक बार घुस गया तो घुस गया, निकलेगा इतना जल्दी आराम ऐसे नहीं निकलता, उसका एक प्रोसेस है निकालने, कैसे निकालना जाता है बताऊंगा मैं, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, घुलना चाहिए था मेरा कितना 34.7 ग्राम घुलना चाहिए था ना, लेकिन अब घुल कितना रहा है 34.8 ग्राम घुला हुआ है। तो वो जो विलयन बना, विलयन बना, उसको क्या बोलेंगे, अति संतृप्त विलयन। समझ गया कि और भी ज्यादा संतृप्त हो गया, समझ रहे हो ना, वह संतृप्त विलयन जिसमें विलय की मात्रा उस विलयन को संतृप्त करने के लिए, किसकी मात्रा, विलय की मात्रा उस विलयन को संतृप्त करने के लिए, जो विलयन था ना इसको संतृप्त करने के लिए आवश्यक विलय की मात्रा से, जितना संतृप्त करने के लिए विलय की मात्रा चाहिए से अधिक घुली हुई हो। घुलना चाहिए 34.7, उससे अधिक घुला हुआ है, कितना घुला हुआ है 34.8 ग्राम घुला हुआ है, अति संतृप्त विलयन कहलाता है, ठीक है। इस तीनों से एक निष्कर्ष निकालते हैं, ठीक है, क्या निष्कर्ष निकालते हैं, निश्चित ताप पर विलय की मात्रा घुलने का एक अधिकतम सीमा होती है, यानी क्या बोल रहा है, निश्चित ताप पर, कोई भी निश्चित ताप पर है ना विलय की एक अधिकतम मात्रा ही घुल सकती है, उससे ज़्यादा उसमें हम नहीं घुला सकते, ठीक है। यदि हम 20 डिग्री सेल्सियस पे 100 ग्राम पानी में पोटेशियम क्लोराइड घुलाएंगे तो 34.7 ही ग्राम घुलेगा, उससे ज़्यादा नहीं घुलेगा। हम अति कैसे करते हैं, अति संतृप्त कैसे करते हैं और ज़्यादा कैसे घुलाते हैं, थोड़ा सा चालाकी करते हैं, उसको गर्म कर देते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ निष्कर्ष में क्या है, निश्चित ताप पर हमेशा विलय की मात्रा जितना घुलेगा एक बार उससे ज़्यादा नहीं घुले तो हमेशा वही रहेगा उस ताप पर, ठीक है। अब देखिए ताप बढ़ाने पर विलय की और अधिक मात्रा घुलाई जा सकती है, बताया निष्कर्ष निकला ना, यदि हम ताप उसका बढ़ा देते हैं तो और भी ज़्यादा उसमें विलय की मात्रा घुल सकती है, ये क्या हुआ इसका निष्कर्ष निकल गया। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन, ठीक है, चलो देखते हैं आगे। अब अति संतृप्त विलयन में मैंने क्या देखा, क्या देखा कि उसमें जो है ना संतृप्त करने के लिए जितना विलय चाहिए उससे ज़्यादा विलय की मात्रा क्या करते हैं हम घुलाते हैं, घुलाते हैं उसके क्या होता है रिक्त स्थान में जाके एडजस्ट कर जाता है, उसको फिर ठंडा करते हैं, ठंडा करके उतना ही टेम्परेचर लाते हैं, लाए ना तो अब क्या वो दबा गया अच्छी तरह से, यानी कि बड़ा मुश्किल से एडजस्ट करके है अंदर में। जैसे देखे हो कभी कभी बस में इतनी भीड़ होती है कि कहीं ना कहीं कोई घुस के ऐसे ऐसे खड़ा होके सफ़र करते रहता है, जैसे उसका स्टॉपेज आता है तैसे फुर से निकल के भाग जाता है, सोचता है कितना जल्दी स्टॉपेज आए कितना जल्दी हम निकल जाएं। उसी तरह से यदि ये विलयन क्या है अति संतृप्त है, ठीक है, यदि ये अति संतृप्त है तो इसमें क्या होगा, थोड़ा सा इसमें कुछ नहीं करना है, उसको जो एक्स्ट्रा है ना उसको निकालने के लिए कुछ नहीं करना है, इसमें एक छड़ डाल दीजिए, छड़ डाल के ऐसे ऐसे हिला दीजिए, क्या होगा जितना ज़्यादा बोला है ना सब निकलना स्टार्ट हो जाएगा। आ रहा है बात समझ में, देखो वहाँ निकल रहे हैं ना नहीं निकल रहा, यहाँ ऐसे बता रहा हूँ, बात समझना है, कल्पना करना है, ठीक है। विज्ञान क्या है, कल्पना पे चलता है, इसमें जैसे हम क्या करेंगे छड़ को हम उसमें हिलाएंगे तो क्या होगा, वो उससे उसका जो कण है ना रावा बन के, रावा का कण बन के निकलना स्टार्ट हो जाएगा। दूसरा और क्या सिस्टम है, उसमें यदि हम क्या करें एक वो डाल दें कोई दूसरा कण, दूसरा विलय का कोई और मात्रा डाल दें अति संतृप्त विलयन में, तो वो क्या होगा उसके साथ साथ वो भी निकलना स्टार्ट हो जाता है, जैसे जाएगा तो किसी थोड़ा सा हिलाएगा ना तो उससे क्या होता है वो भी निकलना स्टार्ट हो जाता है, उसका रवा जो अंदर जो एडजस्ट करके था वो बाहर आना शुरू हो जाता है, किसमें अति संतृप्त विलयन में, ठीक है। इसलिए कहा जाता है अति संतृप्त विलयन वो अस्थाई होता है, क्या होता है याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है ये जो मैं दे रहा हूँ ना, आप इसको नोट कर लीजिएगा उसको अपने नोटबुक में अच्छी तरह से, इसमें और एक पॉइंट डाल लीजिएगा इसमें कि क्या होता है अति संतृप्त विलयन क्या होता है वो अस्थाई होता है, ठीक है, ध्यान रखना है क्या होता है वो अस्थाई होता है, आप बीच में नहीं लिखिएगा, ठीक है, आप नीचे कहीं लिख लीजिएगा, इसके बाद आप लोगों का कोई ठार नहीं है, ठीक है, वो अस्थाई होता है, कौन अस्थाई होता है अति संतृप्त विलयन और बाकी दोनों अस्थाई होता है। अस्थाई और अस्थाई का मतलब क्या हुआ,
ये कुछ पल के लिए होता है, थोड़ा सा भी कुछ थोड़ा छेड़छाड़ करेंगे ना ऐसे लेके हिला देंगे तो क्या होगा, उससे रवा निकल जाएगा। आया समझ में? चलिए अब देखते हैं विलेयता। विलेयता क्या होता है? विलेयता क्या है ना, कैपेसिटी दिखाता है, यानी कि उसका क्षमता दिखाता है। क्या क्षमता दिखाता है? कि 100 ग्राम विलायक में, यानी कि उस विलयन को संतृप्त करने के लिए कितनी विलेय की मात्रा घुलाई जा सकती है, उसको क्या बोलेंगे? विलेयता। मैं जो बोला समझ में नहीं आया होगा, ठीक है, अब इसको अच्छी तरह से समझाता हूँ। जब तक आप लोगों को प्रैक्टिकली ग्लास बना के नहीं दिखाया जाए ना पानी, तब तक आपको समझ में नहीं आता, ठीक है। देख लीजिए, मान लीजिए क्या है ये, कोई बर्तन है, उसमें क्या ले लिए हम, पानी ले लिए। कितना पानी लिए हैं? 200 ग्राम, ठीक है। मान के चल रहे हैं हम, ये डाटा रटने योग्य नहीं है, बस समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। मान के चलिए 200 ग्राम पानी में अधिक से अधिक हम कितना, 25 ग्राम नमक घुला सकते हैं, ठीक है, किसी भी निश्चित ताप पर। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि भेरी करता रहेगा तब, किसी भी निश्चित ताप पर, बस मैं समझाने के लिए डाटा दे रखा हूँ। पहले जो डाटा दिया था वो एक्यूरेट था, 34.7 था ना पोटेशियम नाइट्राइड का, तो उसका क्या था, वो सही था, ठीक है, पोटेशियम क्लोराइड था, उसका क्या था, सही डाटा था। ये जो मैं आपको बस समझाने के लिए दे रहा हूँ, जो आपको समझ में आए, ठीक है, बस आप समझिएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। 200 ग्राम जल में, किसमें, जल में 25 ग्राम नमक घुल सकता है, घुला सकते हैं, उससे ज़्यादा हम नहीं घुला सकते। तो विलयन क्या हो गया, संतृप्त विलयन हो गया, हुआ कि नहीं हुआ, मैं भी बताया था ना कि यानी कि हम अधिक से अधिक जितना घुला सकते हैं विलेय की मात्रा को, उसको क्या बोलेंगे, यदि वो विलयन बन गया तो उसको हम बोलेंगे संतृप्त विलयन, ठीक है। चलिए देखिए, तो 200 ग्राम जल में कितना घुलाएं हम, 25 ग्राम नमक को घुला दिए, तो ये विलयन क्या हो गया मेरा, संतृप्त हो गया, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, हमको देखना है चाहे विलयन जितना भी हो, 100 ग्राम जल में कितना नमक घुला हुआ है, ठीक है, 100 ग्राम जल में अब कितना नमक घुला हुआ है, 200 ग्राम में 25 ग्राम घुला हुआ है नमक, तो 100 ग्राम में कितना घुलेगा, 12.5 ग्राम घुलेगा ना। देखिए, जिसका थोड़ा बहुत मैथ अच्छा होगा उनको समझना बहुत इजी है विलेयता क्या होता है। हाँ, और एक दूसरी तरफ से बता देता हूँ, जो कि बिल्कुल मैथ नहीं जानता, उसके बाद भी मेरी क्लास को आप देख रहे हैं, बिल्कुल प्रतिशतता आपको नहीं आता, मेरी क्लास को देख रहे हैं, वो टेंशन ना लें, आप इसको स्किप कर सकते हैं, ऐसे तो इम्पॉर्टेंट है लेकिन इसका न्यूमेरिकल इम्पॉर्टेंट नहीं, बस इसको समझना इम्पॉर्टेंट है, पहले इसको आप समझ लीजिए, ठीक है। यदि आपका प्रतिशतता बिल्कुल ही कमज़ोर हो, बिल्कुल नहीं जानते हैं, तो फिर आपको ये चीज़ समझ में नहीं आएगी, पहले बता दिए। इसका मतलब नहीं कि आपको आगे समझ में नहीं आएगा, ऐसा नहीं है, ठीक है, ऐसा नहीं सोचना है, बस इस पार्ट को आप स्किप कर सकते हैं। जैसे आपका न्यूमेरिकल का पार्ट आ जाता है, ये तभी आपको समझ में आएगा ना, जब जबकि आपको थोड़ा बहुत मैथ आता हो, प्रतिशतता आता हो, ठीक है। चलिए देखिए, कितना सिंपल है, 200 ग्राम जल में यदि हम 25 ग्राम नमक घुला सकते हैं, वो हंस रहे होंगे, जिसको आता होगा ना सोच रहे होंगे क्या बोल रहे हैं। मैं सही बोल रहा हूँ, मैं पहले ही बता रखा हूँ कि जो बिल्कुल जीरो है ना उसको भी साथ लेके चल रहा हूँ, टेंशन नहीं लेना है। आगे पूरी क्लास कंप्लीट होने के बाद, केमिस्ट्री फिजिक्स के बाद मैथ भी शुरू करूँगा, बढ़िया तरीका से स्टार्ट करूँगा, ठीक है, टेंशन नहीं लेना है। बिल्कुल बच्चों जैसे, जिसको बिल्कुल नहीं आता ना मैथ, उसको भी अच्छा से टकाटक समझ में आएगा, जो जानते हैं उसको बड़ी खुशी की बात है, अच्छी बात है, ठीक है। चलिए देखिए, 200 ग्राम जल में 25 ग्राम नमक है, तो 100 ग्राम जल में 12.5 ग्राम। हमेशा क्या करना है, 100 ग्राम से ही तुलना करना है, लेकिन वो विलयन कैसा होना चाहिए, संतृप्त होना चाहिए, तो उसको क्या बोलेंगे हम, विलेयता। आई समझ में? 100 चाहे कितना भी हमको किसी तरह का भी दिया हो, चाहे 200 ग्राम दिया हो या 4 केजी दिया हो या 5 केजी में कितना घुला हुआ हो, लेकिन हम हमेशा कितना में निकालेंगे, 100 ग्राम में कितना घुला हुआ है, उसको संतृप्त करने के लिए। तो वो जो निकलेगा हमको डाटा मिलेगा, जैसे कि हमको डाटा क्या मिला, 100 ग्राम जल में 12.5 ग्राम नमक घुला हुआ है, तो ये क्या हो गया, 12.5 ग्राम विलेयता। यदि कोई बोल दे कि जल और नमक की विलेयता 12.5 ग्राम है, तो आपको ऑटोमेटिक समझ लेना है कि 100 ग्राम जल में अधिक से अधिक 12.5 ग्राम नमक हम घुला सकते हैं। आया समझ में? देखिए, अब इसको अब समझ में आ जाएगा आपको क्या लिखा हुआ है। एक निश्चित ताप और दाब पर हमेशा क्या करना है, एक निश्चित और ताप और दाब लेना है। क्यों लेना है बता दिया, ठीक है, क्योंकि वेरी करता है ताप के अनुसार या दाब के अनुसार। 100 ग्राम विलायक में किसी विलेय की,
100 ग्राम विलायक में, बोले थे ना 100 ग्राम विलायक में, 100 ग्राम जल में, नहीं था अभी 100 ग्राम विलायक में किसी विलेय की, कौन सा विलेय था, नमक लिए थे, घुलने वाली अधिकतम मात्रा कितना था, घुलने वाली अधिकतम मात्रा 12.5 ग्राम निकला था, कितना निकला था 12.5 ग्राम, और यहाँ कितना 100 ग्राम रहता तो कितना निकलता 12.5 ग्राम, घुलने वाली अधिकतम मात्रा 12.5 ग्राम, जो विलयन को संतृप्त कर दे, जो विलयन को क्या कर दे, संतृप्त कर दे बिल्कुल, यानी उसके बाद आप घुले ही ना, तो उस विलेय की, कौन सा विलेय, नमक, उस विलायक में, किस विलायक में, जल, नमक की जल में विलयता कहते हैं, ऐसा समझ में, कितना सिंपल था। हमेशा क्या करना है, 100 में देखना चाहिए, कितना में भी दिया रहे, बोलेगा कि अब 1000 ग्राम मतलब 1 kg, 1 kg में 200 ग्राम घुला हुआ है, हमको क्या निकालना है, हमेशा 100 ग्राम में निकालना है, जिसका प्रतिशतता हो वो तो तुरंत निकाल लेगा, जो प्रतिशतता जिसको नहीं आता उतना इसमें हम खींच नहीं सकते आगे, क्योंकि उसमें लंबा टाइम लग जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए, अब इसका एक सवाल है, ठीक है, जैसे देख लीजिए, विलेय की विलेयता निकालना, तो कैसे निकालेंगे, अभी मैं जस्ट बताया, मान के चलो कि 200 ग्राम में 25 ग्राम नमक घुला हुआ था, एक में क्या करेंगे 25/200, फिर कितना में 100 में गुना 100, ऐसा समझ में, जिसका भाई मैथ है वही अच्छा से समझ सकता मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। मैं क्या बोला, 200 ग्राम जल में 25 ग्राम नमक घुला हुआ है, तो 1 ग्राम में जल में कितना घुला होगा 25/200 ग्राम नमक, ऐसा समझ में, अब 100 में 100 से गुना कर देंगे, वही क्या है इसका, विलेय की मात्रा बटा विलायक की मात्रा, विलायक क्या था, यहाँ मान के चलिए आपका 200 ग्राम दे दीजिए, ठीक है, यही था ना आपका, जल जो लिए थे 200 ग्राम, ये कितना लिए थे 25 ग्राम, ये कितना था गुना 100, यानी क्या हो गया 25/200 गुना 100 कितना हो गया 12.5 ग्राम हुआ, आ रहा समझ में। तो कहने मतलब इसका सूत्र होता है, विलेय की विलेयता बराबर विलेय की मात्रा बटा विलायक की मात्रा गुना 100, हमेशा 100 के रिस्पेक्ट में निकालना, इसलिए हम 100 से हमेशा गुना करेंगे। चलिए ठीक है, यहां तक। अब देखिए इस पे सवाल देख लेते हैं, 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर सोडियम नाइट्रेट को, कितना ताप है 25 डिग्री सेल्सियस, उसमें हमको दे दिया है निश्चित ताप हमेशा बना हुआ है, इससे हमको कोई मतलब नहीं है, बस रिफरेंस में दिया है कि 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, चाहे जितना भी रहे उससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। नाइट्रेट के संतृप्त विलयन को, कौन सा, सोडियम नाइट्रेट का एक संतृप्त विलयन है, ठीक है, कि 35 ग्राम विलयन है 35 ग्राम, अच्छा बताइए, तो मान के चलिए इसमें 200 ग्राम क्या था, जल था, 25 ग्राम नमक था, तो विलयन का वजन कितना होता 225 ग्राम, क्यों, कि विलय इसी में ना 200 ग्राम जल में ही क्या करेंगे 25 ग्राम नमक और डाल देंगे इसमें, तो 200 ग्राम पहले से था 25 ग्राम अभी डाल दिए, तो कितना हो गया 225 ग्राम, अरे समझ में, तो विलयन की मात्रा क्या हो गया 225 ग्राम, विलायक की मात्रा को कितना हो गया 200 ग्राम, और विलेय की मात्रा क्या हो गया 25 ग्राम, क्लियर है। उसी तरह से यहां पर क्या दिया है, विलयन की मात्रा कितना है 35 ग्राम, अरे समझ में, और उसके बाद मैं 9 ग्राम यानी कि 9 ग्राम सोडियम नाइट्रेट घुला हुआ है, कितना घुला हुआ है 9 ग्राम सोडियम नाइट्रेट, तो सोडियम नाइट्रेट की विलेयता ज्ञात करें, क्या करें, सोडियम नाइट्रेट की विलेयता क्या होगा, अरे समझ में, तो विलेयता का मैंने क्या बताया था, विलेयता का मैंने बताया था विलेय की मात्रा कितना है 9 ग्राम सोडियम नाइट्रेट है, यही घुल रहा है ना, घुला हुआ है, इसका मतलब क्या है 9 ग्राम क्या है अपना विलेय की मात्रा है, तो यहाँ क्या दे देंगे 9 बटा विलायक की मात्रा, तो यहाँ पर हमको क्या दिया गया है 35 ग्राम विलयन के, यानी कि 35 ग्राम विलयन हो गया, यदि किसी कोई भी मतलब चलिए विलयन है उसका वजन 35 ग्राम है और उसमें घुलने वाला पदार्थ कितना है 9 ग्राम, तो उसका विलायक की मात्रा कितना होगा, तो घटा देंगे ना, जैसे कि मान के चलिए हमको 200 ग्राम नहीं दिया रहा था, बोलता कि 225 ग्राम का एक विलयन है जिसमें 25 ग्राम नमक घुला हुआ है, तो क्या करते आप, अरे विलायक कितना होगा 200 ग्राम होगा, तभी ना 200 और 25 ग्राम मिलकर 225 ग्राम हुआ, आया समझ में। उसी तरह से यहाँ विलयन कितना था मेरे को 35 ग्राम था, उसमें क्या घटाएंगे 9 को, तो क्या बन जाएगा ये विलायक की मात्रा बन जाएगा, ठीक है। देखिए अब इसको हल कीजिए, गुना भी है ना, गुना 100, तो क्या हो गया
9 बटा 26 गुना 100, इसको कैलकुलेटर पे हल कीजिएगा तो शायद आपका 34.6 ग्राम आएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ 34.6 ग्राम का, कि 100 ग्राम विलायक में, जो भी इसका विलायक रहा होगा, ठीक है, 100 ग्राम विलायक में 34.6 ग्राम सोडियम नाइट्रेट घुला हुआ है, यानी कि संतृप्त करने के लिए इतना घुलाया हुआ है। ठीक है, चलिए ठीक, समझ में, इसको अच्छी तरह से नोटबुक में नोट कर लीजिएगा और इसको बार बार रिवीजन करना है। विलेयता पर दाब का प्रभाव, विलेयता तो देख लिया, विलेयता किसको बोलेंगे, 100 ग्राम विलायक में, हमेशा याद रखिएगा विलयन में नहीं, विलायक में, जैसे जल में कितना, यानी किसी विलयन को संतृप्त करने के लिए कितना विलेय की मात्रा घुलाई जा सकती है, घुलती है, उसको क्या बोलेंगे हम, विलेयता। ठीक है, कितना में, 100 ग्राम में देखना है, ठीक है, कन्फ्यूज नहीं रहना है। इस पे देखते हैं ताप का क्या प्रभाव पड़ेगा। यदि कोई 100 ग्राम जल है उसमें मान के चलते हैं हम क्या चलते हैं 12.5 ग्राम ही मान के चलते हैं, एक्यूरेट डाटा नहीं है। ठीक है, 12.5 ग्राम ही क्या घुल सकता है अपना, नमक, नमक की चीनी बताया था, कुछ पीछे बताया था ना, जो भी हो उतना ही घुल सकता है। ठीक है, तो अब देखते हैं उस पर दाब का क्या प्रभाव पड़ेगा। यदि हम उसको और जोर से दबाएंगे ऊपर से, क्या उसमें और ज़्यादा विलेय घुलेगा, मान लो और दबाएंगे तो घुलेगा, मामूली सा फर्क पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा सा दबाने से हो सकता है उसके रिक्त स्थान में जाके थोड़ा सा और घुस जाए, बहुत कम, यानी कि नहीं के बराबर। ठीक है, यानी कि बहुत कम प्रभाव पड़ता है किसका, दाब का, किसमें, जब हम द्रव में किसी ठोस को घुला रहे हो, तो द्रव में ठोस पदार्थ की विलेयता पर दाब का प्रभाव बहुत ही कम पड़ता है। ठीक है, अब देखते हैं द्रव में यदि किसी गैस को घुलाना हो, यदि कोई गैस ले लेते हैं, मान एक्चुअली कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, गैस क्या है, उड़ते रहता है, नहीं उड़ता है, लेकिन उसको हम कैसे पकड़ के लाएं, सॉरी पकड़ के नहीं लाएं, उसको अच्छी तरह से उसका सिलेंडर में पैक किया हुआ लाएं, अब किसी द्रव में मिलाएंगे तो क्या मिलेगा, ऐसे नहीं मिलेगा, उसको क्या करेंगे, उसको जल में डालेंगे, फिर उसके ऊपर से उसको प्रेशर के साथ मारेंगे उसके अंदर, तब जाके उसके रिक्त स्थान में जाके भरेगा, किसके रिक्त स्थान में, जल के कणों के बीच के रिक्त स्थान में, जिसको अंतराणु का स्थान बोलते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा प्रेशर देंगे तब जाके वो घुल जाएगा, पक्का अच्छी तरह से मिल जाएगा। ठीक है, उसके अंदर तो क्या हुआ, द्रव में किसी गैस की विलेयता पर दाब का बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। हम जितना ज़्यादा दाब देंगे उतना ज़्यादा क्या हुआ, अच्छी तरह से घुल जाएगा। जैसे आप देखें सोडा वाटर, नहीं कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, कोको कोला, स्प्राइट, नहीं ना, तो ऐसे ऐसे थोड़ा सा ऐसे ऐसे हिला दीजिएगा, खुला छोड़ दीजिएगा ना, क्या उसका प्रेशर रिलीज हो जाता है, यानी कि प्रेशर निकल जाता है, फदफदाहट के साथ क्या होता है, वो बाहर निकल जाता है, फदफदाहट ही उसको बोलते हैं। ठीक है, हिंदी वर्ड है, ऐसा ना सोचिएगा ये भी कोई कॉमेडी वर्ड है, फदफदाहट वाली आवाज़ आती है, फद करता होगा, उसके बाद सुर से निकल जाएगा ऊपर, देखें कभी, नहीं तो करके देख लीजिएगा, ऐसे ऐसे हिला लीजिएगा, थोड़ा सा ढक्कन खोल दीजिएगा, देखिए सब निकल जाएगा बाहर, निकलता है ना, क्योंकि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड को जो ना हाई प्रेशर दे के उसको मिलाया जाता है। ठीक है, कहने का मतलब क्या हो, द्रव में किसी गैस की विलेयता यदि 100 ग्राम जल में पहले कितना भी विलेय घुलता हो, संतृप्त करने के लिए उसमें दाब बढ़ाएंगे तो उससे ज़्यादा और हम घुला सकते हैं उसमें। ठीक है, तो दाब का बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। चलिए अब देखते हैं विलेयता पर ताप का प्रभाव। ठीक है, ताप का क्या प्रभाव पड़ता है, मान के चलिए अब देख लेते हैं, पहले क्या देखे थे, 100 ग्राम जल में कितना पोटेशियम क्लोराइड घुलता था, 34.7 ग्राम, यही था ना, 34.7 ग्राम घुलता है, कितना 100 ग्राम में, उसको संतृप्त करने के लिए, तो उसका विलेयता कितना हुआ, 34.7 ग्राम। लेकिन यदि, तो क्या हो गया, विलयन क्या हो जाएगा, संतृप्त हो जाएगा, होगा ना, संतृप्त हो गया। यदि कितना डिग्री सेल्सियस पे था वो, 20 डिग्री सेल्सियस पे, यदि हम उसके ताप को बढ़ा दें, उसको 100 डिग्री सेल्सियस कर दें, तो क्या वह विलयन अब संतृप्त रहेगा, नहीं रहेगा, क्यों नहीं रहेगा 100 डिग्री सेल्सियस ताप पर, क्योंकि उसमें और भी ज़्यादा पोटेशियम नाइट्रेट को, पोटेशियम क्लोराइड को हम घुला सकते हैं, आया समझ में, क्योंकि ताप बढ़ा, ताप बढ़ेगा तो उसमें जगह नहीं बढ़ा उसके कणों के बीच का, कणों के जो द्रव था, जल था, जो अंतराणु का स्थान था वो बढ़ गया, तो उसमें और ज़्यादा हम पोटेशियम क्लोराइड घुला सकते हैं, यानी कि 34.7 ग्राम था तो 34.8 ग्राम घुल जाए, 9 ग्राम घुल जाए, लेकिन उससे ज़्यादा घुलेगा। कहने का मतलब क्या है, 20 डिग्री सेल्सियस ताप पर वो संतृप्त था, लेकिन जैसे ही ताप बढ़ा दिए तो क्या हो गया, वो अब संतृप्त नहीं रहा, क्या रहा, असंतृप्त, यानी कि उसमें और घुल सकता है, आया समझ में, वही कह रहा है। ताप बढ़ने पर किसी विलायक में ठोस पदार्थ की विलेयता बढ़ जाती है, विलेयता क्या होता है, बढ़ जाता है, विलेयता बढ़ने का मतलब क्या होता है, उसमें और भी ज़्यादा हम
यदि ताप बढ़ेगा तो उसमें और भी ज़्यादा अम्लीय की मात्रा घुला सकते हैं, यानी कि संतृप्त करने के लिए आगे हम क्या बोलते हैं उसको, और भी ज़्यादा देना पड़ेगा उसमें, किसमें, विलायक में, किसको, विलेय को। तो क्या मतलब, कहने का मतलब क्या हुआ, ताप बढ़ने पर किसी विलायक में ठोस पदार्थ की विलेयता बढ़ जाती है, किसी द्रव में गैस की विलेयता ताप बढ़ने से घट जाती है। अब बताओ भाई, कोई भी द्रव है ठीक है, उसमें गैस को घुलाएंगे, यदि हम उसको और उस पोर से आँच दे रहे हैं, आँच मतलब आग दे रहे हैं, तो क्या होगा, एक तो गैस का, गैस के क्या बोलते हैं, कणों के बीच जो वो होता है गति ऊर्जा, इससे बहुत ज़्यादा होता है, नहीं होता है, जब गति ऊर्जा ज़्यादा रहेगा तो क्या होगा, इधर उधर भागते रहता है, यदि हम उसको और गर्म करेंगे तो और ज़्यादा गर्म हो जाएगा, तो और भी ज़्यादा फुरफुर करके भागता रहेगा, जब ज़्यादा फुरफुर करके भागता रहेगा तो उसमें उसके रिक्त स्थान में जाएगा कैसे, वो तो थोड़ा सा मान के चले कि फैल हो गया, क्या बोलते हैं, थोड़ा सा उसके रिक्त स्थान बड़ा हो गया, किसका, विलायक का, लेकिन उससे ज़्यादा स्पीड तो इसके कणों में ज़्यादा और स्पीड बन गया, तो उसमें जाके समा ही नहीं सकता। कहने का मतलब क्या है कि किसी द्रव में गैस की विलेयता पर ताप बढ़ने से क्या होता है, घटती है। अरे समझ में, ये सब आपको इजी इसलिए लग रहा होगा क्योंकि पिछले चैप्टर में आपने अच्छी तरह से गैस का, गैस ठोस द्रव गैस तीनों के गुण का अध्ययन कर लिया है, ठीक है, इसलिए कहा जाता है साइंस क्या होता है, रटने की चीज़ नहीं होती, क्रम वाइज पढ़ने की चीज़ होती है, ठीक है, इसलिए मैं कहीं छलांग नहीं लगा रहा, बिल्कुल क्रम वाइज चल रहा हूँ, तो ठीक है भाई। अब चलिए देखते हैं निलंबन, निलंबन क्या है, इससे पहले बता दिया हूँ फिर बता दे रहा हूँ, बता दें बाद में डिटेल से बताएंगे अच्छी तरह से। देखिए निलंबन एक विषमांग पदार्थ है, क्या है, देखिए होता क्या है ना, मान के चलिए पानी में कोई चीज़ घुलाने के लिए जितना रिक्त स्थान होता है ना, क्या बोलते हैं, जल के या किसी भी द्रव के कणों के बीच में जो रिक्त स्थान होता है, मान के चलिए ये क्या है, बड़ा बड़ा करते हैं, आपको नहीं दिखेगा ना उस समय, ये जल है ठीक है, क्या है, ये जल है ठीक है, इसके अणु को हम बड़ा करके दिखाएं हाइब्रिड बना के, ठीक है, दूरबीन लगा के, अरे समझ में, इसमें तो ये रिक्त, जो ये रिक्त स्थान है आपका, कणों के बीच में रिक्त स्थान रहेगा, मान चलिए कोई गोला है, गुल्ली है, उसको ढेर बनाएंगे तो बीच में कहीं जगह रहेगा, है ना, इसमें क्या, इसमें भी क्या होता है कि रिक्त स्थान होता है, ये सब क्या है, रिक्त स्थान है, दिख रहा है ना, जब ये रिक्त स्थान है तो इसमें कौन जा सकता है, मतलब कि कौन सा कण इसमें समा सकता है, वही कण इसमें समा सकता है, कौन सा कण, वही कण जो इनसे छोटा हो, जितना रिक्त स्थान में जगह है ना उससे छोटा हो तभी वो जा पाएगा, यदि इससे बड़ा कोई चीज इसके अंदर डालने की कोशिश करें जाएगा, नहीं जाएगा, क्यों, उसमें जगह ही नहीं है। तो निलंबन का कण क्या होता है ना, इसके रिक्त स्थान से क्या होता है, बड़ा होता है, लगभग कितना, 10^-5 सेंटीमीटर से भी अधिक होता है, उससे कम नहीं होता, और 10^-5 सेंटीमीटर इतना बड़ा कण हुआ ना कि वो जो है ना आपको तो दिखेगा नहीं, बहुत बहुत छोटा होता है, फिर भी इतना बड़ा हुआ ना, इतना जगह इसमें रहता ही नहीं है कि इसमें समा जाए, तो क्या होता है, वो उसके आसपास रहता है, इर्द गिर्द रहता है, किसके, विलायक के कणों के इर्द गिर्द, तो उसको क्या बोलेंगे हम, निलंबन। ऐसा समझ में, इसका मेन कारण यही है। देखिए यदि आप इसको पढ़ेंगे तो उसका जड़ को नहीं समझिएगा, जड़ को समझने के लिए आपको लॉजिक निकालना पड़ेगा, जो एक्यूरेट लॉजिक होता है, ठीक है, जो कि मैं आपको बता रहा हूँ ऐसा क्यों होता है। द्रव में ठोस पदार्थ की विलेयता पर दाब का, कहाँ चले गए हम यार, यहाँ यहाँ है निलंबन। निलंबन एक विषमांग पदार्थ है, क्या ये विषमांग, क्यों, इसके तो जगह में तो जाके समाता नहीं, जिधर मन तिधर रहता है, तो ये क्या हो गया, विषमांग हो गया, इसके चारों रहता है ना इधर उधर बैठा हुआ, कुछ देर के बाद क्या होगा, जब इसके खाली जगह में बैठा हुआ ही नहीं है, कुछ देर छोड़ दीजिएगा ना, सारा सारा वेट जो सारा क्या होगा, नीचे आके बैठ जाएगा, किस में, यहाँ पर पेंदी में आके बैठ जाएगा, यहाँ पे कहाँ आके बैठ जाएगा, पेंदी में आके बैठ जाएगा, ठीक है। तो कहने मतलब है निलंबन क्या है कि विषमांग पदार्थ है। समांग किसको बोलते हैं, विषमांग किसको बोलते हैं, पहले बता रखा हूँ, ठीक है, वही याद कीजिए, चीनी वाला मीठा वाला सबको एक जैसा मीठा लगेगा, जिसमें किसी ठोस पदार्थ के छोटे छोटे कण द्रव या गैस में घुलते नहीं है बल्कि निलंबित स्थिति में रहते हैं। निलंबित समझते हैं, निलंबित का मतलब पहले बताइए, आप सुने होंगे कि भ्रष्टाचार के मामले में इस अधिकारी को इस पोस्ट से निलंबित कर दिया गया है। निलंबित मतलब वो पहले उस डिपार्टमेंट में था, अंदर में था, लेकिन उसको निलंबित करके बाहर कर दिया, जा जा बेटा तू घर, अरे समझ में, तो वही वो निलंबन, निलंबित यानी कि निलंबित अवस्था में रहता है, उसके अंदर खाली जगह में नहीं रहता, वो कहाँ रहता है, वो उसके आसपास निलंबित अवस्था में रहता है, बाहर में रहता है,
ठीक है, उसको अंदर प्रवेश नहीं मिलता, लेकिन जो विलयन बनता है ना नमक, क्या बोलते हैं, नमक और पानी का, उसके खाली जगह में जाके सेट हो जाता है, ठीक है, इसलिए वो विलयन कहलाता है। लेकिन निलंबन कौन कहलाएगा? निलंबन में क्या होता है कि उसमें निलंबित अवस्था में रहता है, यानी कि उसके बाहर में रहता है। जब बाहर में रहेगा तो क्या होगा, कुछ देर रखोगे तब क्या होगा, नीचे पेंदी में बैठ जाएगा, जमा हो जाएगा, ठीक है। तो वही कह रहा है, निलंबन निलंबन एक विसमांग पदार्थ है जिसमें किसी ठोस पदार्थ के छोटे छोटे कण द्रव या गैस में किसी जिसमें भी घुलाना हो घुलते नहीं, घुलता नहीं है, घुलने का मतलब उसके अंदर जाके समाता नहीं है, बल्कि निलंबित स्थिति में रहता है। ऐसा में एक विसमांग क्या, यह एक क्या है, विसमांग मिश्रण है, बताए थे ना, नग्न आंखों से या माइक्रोस्कोप की सहायता से इसको देखा जा सकता है। यदि आप पानी में चीनी या नमक को घुला दीजिएगा ना, आप कितनों बड़का दूरबीन ले लीजिए, टेलीस्कोप ले लीजिए, आपको दिख भी नहीं करेगा नमक उसमें है कहाँ। क्यों? क्यों? पानी में, पानी के कणों के बीच में क्या समा के छुप गया है, तो दिखेगा तो क्या दिखेगा हमको, पानी का कण दिखेगा, वो कहाँ है, उसके बीच में छुपा हुआ है, तो नहीं दिखेगा। लेकिन आप निलंबन के कण को देखोगे ना, क्योंकि उसके आसपास है, बाहर में ही है, अंदर तो घुसने मिला नहीं, क्योंकि पहले से इतना बड़ा था, लेना हाथी जैसा बड़ा था, तो उसमें कैसे जाएगा, समझ रहे हो ना, अंदर नहीं मिल रहा प्रवेश, तो क्या होगा, उसको हम माइक्रोस्कोप की सहायता से देख सकते हैं। ठोस के निलंबन कण छन्ना पत्र को पार नहीं कर सकता। छन्ना पत्र समझते हैं, चलनी समझते हैं ना, चलनी समझ लीजिए, उसका क्या होता है, उसमें वही पदार्थ जा सकता है जो कि उस जिसका कण बहुत छोटा हो, ठीक है, बहुत सूक्ष्म हो, वही उसको पार कर सकता है, पानी पार कर जाएगा, लेकिन बालू उसमें पार नहीं करेगा, ठीक है। जैसे कि निलंबन किसको बोलते हैं, जैसे पानी में क्या करें हम, बालू घुला दिए या मिट्टी का कण घुला दिए, तो क्या होगा, घुल तो जाएगा कुछ देर के लिए, लेकिन फिर बाद में नीचे आके बैठ जाएगा। अब उसको जब छाँकेगा ना, क्या बोलते हैं, छन्ना पत्र से, तो पानी नीचे चलाएगा, मिट्टी ऊपर पर रह जाएगा। चलनी, चलनी समझते हैं ना, चलनी मान लीजिए, लेकिन उसमें चलनी में क्या होता है, थोड़ा बड़ा बड़ा होल होता है, छेदा होता है, उसमें क्या होता है, बहुत महीन महीन छेदा होता है, ठीक है, जस्ट जिसमें सिर्फ पानी ही निकल सकता है, बाकी उसमें जो घुलाव पदार्थ रहेगा ना, सब क्या होगा, ऊपर पे रह जाएगा, ठीक है। छन्ना पत्र को पार नहीं कर सकता। इसमें ठोस के कणों का व्यास 10^-5 सेंटीमीटर से अधिक होता है। अब 10^-5 सेंटीमीटर क्या हुआ, 1 पर कितना सुनना, 5 सुनना का जो एक, क्या बोलते हैं, 1 सेंटीमीटर का इतना भागा क्या कहलाएगा, सोचिए 1 सेंटीमीटर इतना बड़ा होता है, उसके 1/5 सुनना कितना होता है, 1,000, 10,000, 1,000,000, यानी कि 1,00,000 भागा, यानी कि उसका 1,00,000 भागा कण है 1 सेंटीमीटर का, उतना भाग करेंगे ना 1 सेंटीमीटर का, 1,00,000 भाग, तब जाके उतना छोटा दिखाई देगा, वही आपका क्या है, उससे उसका साइज बड़ा ही होता है, लेकिन उससे कम नहीं होता। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है 10^-5, ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा, रेलवे ड्राइवर ग्रुपडी के लिहाज से या पॉलिटेक्निक के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया और संभावना बना रहता है, कोई पूछ देगा 10^-10 से अधिक, कहीं पूछ देगा कम, तो फंस जाइएगा, तो पता नहीं कि कम क्यों आ रहा है, लॉजिक जब पता नहीं रहेगा कितना देर रटिएगा, समझ रहे ना, कम और अधिक में उजराते रहिएगा, ठीक है। अब अधिक क्यों आ रहा है, समझ में आ रहा है, तो याद तक समझ में आ गए, तो अब चलिए देखते हैं, कोलाइड, विलयन हो गया, ये निलंबन था, अब उसके बाद कोलाइड विलयन की वह अवस्था है, विलयन देख लिया, निलंबन देख लिया, अब क्या देखना है, कोलाइड, तो चलिए देखते हैं, पहले हम समझाते हैं क्या होता है कोलाइड। आपने क्या देखा था, विलयन में जो विलय का जो कण होता था वो इतना बड़ा होता था कि जो विलायक मतलब जल के कणों के बीच जो रिक्त स्थान था, जिसको अंतर आणुक स्थान कहते हैं, उसमें जो है ना वो विलय का कण प्रवेश कर जाता था, छुप जाता था, ठीक है। लेकिन निलंबन में क्या होता था, उसके खाली जगह में, क्या बोलते हैं, उसके रिक्त स्थानों में नहीं जा पाता था, ठीक है, तो उसको क्या बोलते थे, निलंबन, यही अंतर था ना। अब इसमें क्या होता है ना, इसमें जो इसके कण होते हैं ना, विलय का कण किसमें, कोलाइड में, ये भी तो द्रव में ही घुलेगा या गैस में घुलेगा, जिसमें भी घुले, इसमें भी क्या होता है, उसके रिक्त स्थानों में नहीं जा पाता कोलाइड का भी कण, लेकिन ये निलंबन के कण के आकार से छोटा होता है, क्या होता है, छोटा होता है। जैसे कि निलंबन में क्या था, पानी में बालू घोल दिए, मिट्टी का कण घोल दिए, तो क्या फिर बैठ जाता था, लेकिन इसमें वो नहीं होता है, उसके कण से छोटा होता है, ठीक है। उसमें कितना, 10^-5 सेंटीमीटर उसका आकार था, तो उससे कम आकार का ये रहेगा। लेकिन लेकिन जो विलयन में जो विलय का पदार्थ था, क्या बोलते हैं, विलय था, उसके आकार से ये बड़ा होगा।
तो कहने का मतलब है कोलाइड विलयन की वह अवस्था है जिसमें विलेय के कणों का आकार, जिसमें घुलने वाले पदार्थ जो होते हैं उसी विलेय बोलते हैं ना, विलेय के कणों का आकार वास्तविक विलयन और निलंबन में उपस्थित, वास्तविक विलयन जो पढ़े थे, जो विलयन जो पढ़ते थे नमक 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 पानी चीनी पानी, वास्तविक विलयन और निलंबन में उपस्थित कणों के आकार का मध्यवर्ती होता है। जितना कणों का आकार का ये वास्तविक विलयन का होता है इसके बीच का होता है। चलिए देखिए, तो लगभग जो वास्तविक विलयन के जो कणों का आकार होता है कितना होता है, 10^-7 सेंटीमीटर, कितना होता है 10^-7 सेंटीमीटर, और इसका कितना होता है 10^-5 सेंटीमीटर, किसका, निलंबन का, निलंबन का ये हुआ और वास्तविक विलयन का ये हुआ। इसके बीच का जो साइज होगा कणों का, विलेय का, जिसको हम घुलाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, कोलाइड, ठीक है। लेकिन इसमें भी क्या होता है ना, वो खाली जगह में प्रवेश नहीं कर पाता, जब खाली जगह में वो प्रवेश नहीं कर पाएगा उसके रिक्त स्थानों में तो क्या होगा, वो क्या कहलाएगा, विषमांग होगा, विषमांग ही होगा ना, समांग कभी नहीं हो सकता, जिससे कि विलयन होता है उस तरह से समांग हो ही नहीं सकता, ठीक है। इसमें क्या होता है, प्रक्षेपित कणों का क्या होता है, कणों को माइक्रोस्कोप की सहायता से देख सकते हैं, थोड़ा बड़े टाइप का माइक्रोस्कोप यानी कि अच्छा हाई क्वालिटी का जो और ज़्यादा जूम कर सके उससे हम देख सकते हैं, क्यों, क्योंकि उसके तो खाली जगह में गया नहीं, उसके आसपास ही है, लेकिन क्या थोड़ा सा कण छोटा है, किससे, निलंबन से, लेकिन तो दिख ही जाएगा ना, थोड़ा सा और हाई पावर का अगर दिए माइक्रोस्कोप का यूज करें तो दिखेगा उसका कण, ठीक है। अब देखिए जैसे क्या होता है, दूध स्याही, इसमें क्या होता है ना, दूध स्याही हो गया, ये सब गाढ़ा होता है, जितना भी कोलाइड होगा ना गाढ़ा होगा। अब गाढ़ा क्यों होगा, खुद सोचिए, लगभग जितना कोलाइड देखिएगा उदाहरण में गाढ़ा ही होगा, दूध देख लीजिए, स्याही देख लीजिए, रक्त देख लीजिए, टूथपेस्ट देख लीजिए, अब चीनी पानी से तुलना कीजिएगा कितना स्मूथ होता है पानी, और देखिएगा दूध और स्याही सब कैसा होता है, थोड़ा गाढ़ा होगा उससे, टूथपेस्ट देख लीजिए, धूल कण देख लीजिए वायु में, वायु और क्या है, बादल देख लीजिए आकाश में, कुहासा देख लीजिए, अभी जो ठंड में कुहासा रखा है, धुआं देख लीजिए, जेली देख लीजिए, जेली नहीं माथा में लगाते हैं, जेली निकाल के फिर डाल के घुमा लेते हैं, ठीक है। ये सब क्या आपका कोलाइड है, ऐसा क्यों होता है, ये गाढ़ा क्यों होता है बताइए, क्योंकि इसके अंदर तो जा नहीं सकता बेचारा, इसके बाहर ही रहता है, जब उसके बाहर के इर्द गिर्द रहेगा, विलायक के कणों के बाहर इर्द गिर्द मतलब चारों तरफ रहेगा तो उसको थोड़ा गाढ़ा ही करेगा ना, क्योंकि ठोस मिला रहे हैं, जो पहला रहा, पहले जो रहा होगा जल, उसमें कोई चीज़ ऐसा चीज़ डाल दी है उसके रिक्त स्थानों में नहीं जा पा रहा, बाहर में ही रहेगा तो क्या होगा, वो गाढ़ा हो जाएगा। आप देखें कि जब आप शादी ब्याह में भोज भात में जब बुनिया के लिए, बुनिया समझते हैं, बूंदी ना तो गोल गोल बूंदी, बुनिया के लिए हम क्या करते हैं, सिरवा बनाते हैं, सिरवा मतलब चीनी का घोल बनाते हैं, उसको इतना गाढ़ा किया जाता है ना, पूरा गाढ़ा कर देते हैं थोड़ा सा, क्यों गाढ़ा करते हैं, उसमें क्या होता है ना, वो अति संतृप्त नहीं होता, उसके जो कण उसके पानी के अंदर घुलना चाहिए घुल जाता है, उसके अलावा भी बाहर में वो कण उसके चारों ओर रहता है, उससे क्या हो जाता है, वो गाढ़ा हो जाता है, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे है, कहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पर जो उसके जो विलायक का जो कण है ना उसके चारों ओर विलेय का कण क्या होता है, रहता है, लेकिन उसके खाली जगह में नहीं जा पाता, लेकिन उसके कणों का आकार क्या होता है, निलंबन से थोड़ा कम होता है, तो उसको क्या बोलेंगे, कोलाइड, ठीक है। अब देखिए कोलाइड के कण छन्ना पत्र को पार कर सकता है, छन्ना पत्र का इसका मतलब क्या है, कैपेसिटी जो है ना, यानी कि 10^-5 सेंटीमीटर जो उसका जो किसी का व्यास होगा उससे क्या होगा, कम होगा, यानी कि उससे जो कम रहेगा तो पार हो जाएगा, लेकिन 10^-5 सेंटीमीटर को कम क्या बोलते हैं, पार नहीं कर पाएगा, क्योंकि निलंबन को पार नहीं कर पाया था, वो ऐसा चलनी है, समझ सकते हो ना, यानी कहने का मतलब क्या है, कोलाइड का कण छन्ना पत्र को पार कर सकता है, यानी कि वो चलनी होता है एक क्या बोलते हैं आप प्रयोगशाला में यूज किया जाता है उसका, ठीक है, उसको मैं देखा हूँ प्रैक्टिकली, थोड़ा कागज की तरह होता है वो, ठीक है। इनका कण अस्थाई होता है, इसका कण क्या होता है, अस्थाई होता है, यदि उसको आप छोड़ दीजिएगा ना स्याही को कि वो नीचे बैठ जाएगा तो नहीं बैठेगा ये, ठीक है, क्योंकि थोड़ा ज़्यादा मेन होता है, अच्छी तरह से उसके चारों ओर चिपका रहता है, ठीक है। तो इसका कण क्या होता है, अस्थाई होता है, इनके कण नीचे नहीं बैठते हैं। कणों का आकार 10^-7 सेंटीमीटर से 10^-5 सेंटीमीटर के बीच होता है, ठीक है, किसका, कोलाइड का। अब देखिए पांचवा पॉइंट, देखिए ब्राउनी गति, कोलाइड विलयन में होता है क्या है ना, यदि कोई कोलाइड विलयन है उसमें जो कण होते हैं ना, ऐसा नहीं कि इतना हम ले लिया तो यहाँ से यहाँ तुरंत चला जाएगा, नहीं, वो अपने स्थान पे थोड़ा सा इधर उधर मूव करता है, कभी इधर चला जाएगा, कभी इधर चला जाएगा, कभी उधर चला जाएगा, कभी इधर चला जाएगा, कभी इधर चला जाएगा, तो उस गति को, उस बिहेव को क्या बोलते हैं,
ब्राउनी गति बोलते हैं, ठीक है। सारे में जितना भी कण रहे हैं ना, पूरे द्रव में, पूरे द्रव कहते हैं पूरे कोलाइड में, ठीक है। चलिए देखते हैं कैसे करता है। जैसे कोई कण है, ये पहले यहाँ चला गया, बहुत छोटा सा डिस्टेंस तय करता है, इसमें तो बहुत बड़ा दिखाना पड़ेगा ना आपको दिखाने के लिए। फिर कहाँ चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा, फिर कहाँ चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा, फिर कहाँ चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा। अरे समझ में, जिधर मन जिधर, अनवरत। अनवरत मतलब उसका कोई ठोर ठिकाना नहीं है, जिधर मन हुआ उधर भोग गया, ठीक है। कभी इस कण से टकराया, इधर चला गया, इस कण से फिर टकराएगा, फिर इधर चला जाएगा, फिर इधर से इधर चला जाएगा, फिर इधर से इधर चला जाएगा, फिर इधर चला जाएगा, फिर इधर चला जाएगा। इस तरह से इसका कण क्या होता है, घूमते रहता है अंदर में, किसमें, कोलाइड में, ठीक है। जरा ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्राउनी गति ना बहुत बार पूछा जाता है। कोलाइड विलयन में कोलाइड के कण टेढ़े मेढ़े मार्ग से होकर कभी उधर भोगते रहता है, अनवरत गमन करते रहते हैं, इसे ब्राउनी गति कहा जाता है, ठीक है। अब इसके बाद बात क्या, एक टिंडल प्रभाव है, ठीक है, उसको भी बता देते हैं। देखते हैं अब टिंडल प्रभाव, ठीक है। टिंडल प्रभाव होता क्या है, पहले इसको समझते हैं। एक काम करते हैं, थोड़ा प्रैक्टिकल करके पहले देख लेते हैं, ठीक है, फिर समझेंगे क्या लिखा हुआ है। दो बर्तन ले लिए, एक में ले लिए नीम चीनी पानी, जिसको क्या बोलते हैं, वास्तविक विलयन। वास्तविक विलयन किसको बोलते हैं, जो विलयन समान हो, ठीक है, उसको बोलेंगे वास्तविक विलयन। विलयन दोनों हो सकते हैं, समांग भी समांग भी, ठीक है। जो समांग हो उसको क्या बोलते हैं, वास्तविक विलयन। ये क्या, समांग विलयन है, यानी कि अच्छी तरह से उसके खाली जगह में, यानी कि विलायक के रिक्त स्थान में विलय की मात्रा घुला हुआ है, ये क्या हो गया, वास्तविक विलयन। दूसरा बर्तन लेते हैं हम, कोलाइड विलयन। कोलाइड विलयन में क्या है, इसमें कुछ ले लिए, स्याही ले लिए, मान लीजिए इसमें स्याही क्या किया, यहाँ तक भर लिए हैं, ठीक है। इसमें क्या लिए थे, चीनी पानी। एक काम करते हैं, एक टॉर्च लेते हैं, उसमें एक रस्सी बांध देते हैं, रस्सी है ये, ठीक है। इसमें बल्ब भी दिखा रखे हैं, स्विच भी दिखा रखे हैं, दिखा रखे हैं ना। देखिए अब इसको ऑन करते हैं, ठीक है, इसको आगे करेंगे, ये बटन पीछे आगे होगा तभी तो जलेगा, मान लीजिए जलेगा तो क्या करेगा, इस तरह से इसको सेट करना है कि इसको पार करते हुए इसे दिखाए, इसको भी क्रॉस करे, इसको भी क्रॉस करे, ये तो इसको क्रॉस कर ही जाएगा वास्तविक भी लेने तो करेगा ना लाइट। जब इससे होके गुजरता है ना स्याही से, जब इससे होके गुजरते तो पता नहीं चलता कि इससे पार हो रहा है। और दोनों बर्तन क्या है, शीशे का है, शीशा मतलब कांच का, ऐसा नहीं कि या क्या बोलते हैं कलर क्या हुआ, नहीं, बिल्कुल शीशा का, जो कि इधर से उधर दिखे, देखे ना शीशा का कांच है, बोरोसिल का ग्लास आता है शीशा वाला, ठीक है, वो बर्तन है जिसमें कि ले रखा हूँ मैं। आप एक काम कीजिएगा, जब इसको टॉर्च ऑन कीजिएगा तो एक प्रकाश यानी किरण पथ निकलेगा, जिसको बोलते हैं प्रकाश पुंज, ठीक है, किरण पथ दिखता हुआ नजर आएगा, ऐसे जाएगा, दिखता है ना। अब देखिए होता क्या है, इससे जब होके गुजरता है वास्तविक विलयन से तो हमको कुछ नहीं दिखता, यानी पता भी नहीं चलता कि इससे कोई चीज़ पार भी हो रहा है, ठीक है। लेकिन जैसे ही हम कोलाइड विलयन से पार करते हैं तो क्या होता है, ये एक पथ सा, रास्ता सा दिखाई पड़ता है, कैसा, एक रास्ता सा, ठीक है, किरण पथ, ठीक है, रास्ता जो दिखाई पड़ता है वो चमकता हुआ नजर आता है और हल्का हल्का मोमेंट करता हुआ नजर आता है, ठीक है। वो ऐसा क्यों होता है वो बता देता हूँ। अब देखें, कभी कभी घर में जब सुबह सुबह सूरज निकलती, जब भी सूरज निकलता हो, कहीं अगर ये छोटा सा होल रह गया हो, यानी कि छेदा, जैसे क्या है, मान के चलिए ये क्या है, घर है ना, आप इसके अंदर रूम में बैठे हुए आराम से, रूम में क्या हो, लेटे हुए हो, यहाँ सूरज आपका किधर है, इधर है, ठीक है। यहाँ से आप एक छोटा सा होल बच गया है, क्या रह गया, होल रह गया किसी कारणवश, चाहे खिड़की का होल हो या किसी का होल हो। आप देखिएगा जो सूरज की जो किरण इधर से आती है आपके इधर, अरे भाई सॉरी शक्तिमान, ये क्या है, सूरज आपका सन, इधर से जो आपका जो लाइट जाएगा बिल्कुल एक रास्ता सा दिखाई देगा, अब देखिएगा बिल्कुल ही सीधा नजर आएगा। जब आप नीचे से बेड से कहीं से भी आप देख रहे होंगे ना, आप देखिएगा बिल्कुल एक सीधा सा रास्ता सा दिखाई पड़ेगा, बिल्कुल सीधा, बिल्कुल ऐसे सीधा से एकदम से दिखाई देगा। वो ऐसा क्यों दिखाई देता है पता है, उसमें देखते हैं घर में जो वायु में जो छोटे छोटे नहीं होते कण होते हैं ना, वो क्या होता है, उससे टकराता है, कौन, सूर्य की प्रकाश की किरण, जब उससे टकराता है तो क्या होता है, प्रकीर्णन होता है, यानी कि प्रकाश जो है ना, जैसे कि कोई वस्तु मतलब क्या कोई कण है, उसमें यदि हम क्या करेंगे, प्रकाश मारेंगे यानी कि लाइट देंगे, तो उससे क्या होगा,
छिड़िया देता है, छोटा छोटा कण क्या करता है लाइट को चारों दिशा में फैला देता है, छिड़ियाना मतलब मेरा लैंग्वेज है, फैला देता है चारों तरफ, ठीक है। तो इस तरह से क्या है, वायु में कई छोटे छोटे कण हैं, तो वो क्या करता है, सारे क्या करते हैं, फैला देते हैं। जब सारे फैलाए तो क्या होगा, तो होता क्या है ना, मैं बताता हूँ किसी चीज़ को हम देखते कैसे हैं, पता है फिजिक्स में पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी तरह दिखा देता हूँ। जैसे कि मैं इसको अभी देख रहा हूँ, ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ, इसको देख रहा हूँ, ठीक है। तो कैसे दिखता है, जैसे कि मान लीजिए कोई वस्तु है, ये क्या है, कोई वस्तु है, मान लीजिए कोई टेबल है, ठीक है, यहाँ सन है, यहाँ से लाइट इस पर पड़ता है, इससे रिटर्न होके आँख पे जाता है, तभी हम इसको देख पाते हैं, ठीक है। यदि सन को हटा लिया जाए, रात कर दिया जाए, क्या दिखेगा, नहीं दिखेगा, क्यों, क्योंकि इससे लाइट इसमें नहीं आ रहा, इस पर नहीं आ रहा, तो इससे रिटर्न होके मेरे आँख पे नहीं जा रहा, जब ये आँख पे नहीं जा रहा तो हमको नहीं दिखेगा, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि लाइट तो चाहिए ही चाहिए, पहले इसमें आता है, इससे टकरा के इस पे जाता है। अब मान के चलिए कोई भी सूर्य की किरण है, बिल्कुल सीधा निकल रहा है, ठीक है, अब इसके बीच में बालों के सॉरी वायु के छोटे छोटे कण अगर इसमें हो, इसमें क्या होगा, टकराएगा वो, तो चारों ओर क्या करेगा, प्रकर्णित करेगा, क्या होगा, इसके आँख पे जाएगा सारा, नहीं जाएगा आँख पे, जब ये सारा आँख पे जाएगा तो क्या होगा, हमको चमकता हुआ सा नजर आएगा, एक देखिए मैं बताया नहीं यहाँ पर, तो कैसा नजर आएगा, ये चमकता हुआ नजर आएगा, हल्का हल्का सा, बिल्कुल, क्यों होता है वो, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। प्रकीर्णन क्या होता है, किसी लाइट का किसी छोटे कण पे पड़ने के बाद चारों तरफ फैल जाना, बिथर जाना, उसको क्या बोलते हैं, प्रकीर्णन, ठीक है। तो प्रकीर्णन के कारण होता है, और आप देखते होंगे कण जो है ना हमेशा चलता हुआ नजर आता है, जिस कण से टकराता है ऐसे ऐसे करके चलता हुआ नजर आता है, प्रैक्टिकल करके देख लीजिएगा, ठीक है। ऐसे तो मैं कई बार देखा हूँ, अब जिसके घर ऐसे हैं कि जहाँ की सन की लाइट नहीं आती, तो शायद ही वो नहीं देखा होगा, लेकिन जो वीडियो देख रहे हैं 90% स्टूडेंट, मुझे विश्वास है कि उन्होंने देखा होगा ये चीज़। तो वो क्या है, टिंडल प्रभाव, क्योंकि टिंडल नामक वैज्ञानिक ने इसको दिया था, परिभाषित किया था, ठीक है। ऐसा क्यों होता है, क्यों होता है, प्रकीर्णन के कारण होता है। उसी तरह से इसमें क्या होता है, जो छोटा छोटा कण होता है वो तो खाली जगह में समाया हुआ नहीं रहता, वो तो बाहर में ही रहता है, कोलाइड में, जब बाहर में रहेगा तो उसमें भी क्या होगा, ये टकराएगा कौन, प्रकाश के किरण, जब प्रकाश किरण टकराएगा तो क्या, उसको फैलाएगा सारे कण मिलकर, जब सारे कण मिलकर फैलाएगा तो हमारे आँखों पे आएगा, तो हमको कैसा लगेगा, वो एक प्रकाश पुंज की तरह, यानी कि एक रास्ता हुआ दिखाई पड़ता है, जैसे जैसे टॉर्च को हम ऊपर नीचे करेंगे ना, उसी तरह से रास्ता भी चेंज होता हुआ नजर आएगा, ठीक है। तो ये क्या है, टिंडल प्रभाव है। देखिए अब यहाँ पर किसी प्रकाश पुंज को एक कोलाइड विलयन से होकर प्रवाहित करने पर, किससे, कोलाइड विलयन से होकर जब प्रवाहित करेंगे, किरण पथ परिभाषित हो जाता है, किरण का पथ परिभाषित होता है, यानी कि परिभाषित मतलब दिखता है, प्रतीत होता है कि किरण का रास्ता ये जा रहा है, ठीक है। यह कोलाइड के कणों के द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन करने से होता है, किसके द्वारा, प्रकाश का जो विलय का जो कण है ना, प्रकाश को प्रकीर्णित कर देता है, जिससे हमारे आंखों तक तो पहुंचता है, प्रकीर्णन करने से होता है। ये कण सूक्ष्म प्रकाश बिंदु के रूप में, क्योंकि हमको कण नहीं दिखाई देता है, याद रखिएगा, बस उस प्रकाश का बिंदु दिखाई पड़ता है, कण तो कण कैसे दिखाई देगा, उस पर टकराया, उस पर आँख पे क्या आया, लाइट आ गया मेरे आँख पे, तो कण दिखेगा, नहीं दिखेगा, इसलिए हमेशा चमकता हुआ दिखाई देता है, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछ भी सकता है कि इसमें क्या होता है, कोलाइड के कण नहीं दिखते, जो कण होता है ना, कण नहीं दिखता, क्या दिखता है, उसका डिटर्निंग जो प्रकाश है ना वो दिखाई देता है आँखों पे। ये कण सूक्ष्म प्रकाश बिंदु के रूप में अनियमित रूप से गमन करते हुए दिखाई पड़ता है। क्यों गमन करता है, अभी ब्रोनी गति में बताए थे ना, इधर उधर हमेशा मूव करते रहता है, तो ये कण भी मूव हो रहा है तो क्या होता है, हमेशा क्या लगेगा हमको, यह इधर उधर मूव करते हुए नजर आएगा, स्थिर नहीं दिखाएगा, ठीक है, दिखाई पड़ता है। यही घटना टिंडल प्रभाव कहलाती है। अब पता कर लीजिएगा, टिंडल प्रभाव बहुत ऐसे होंगे ना, बस सीधा सीधे रटवा देंगे, लेकिन इतना अच्छी तरीके से नहीं समझा होगा कोई, मेरे हिसाब से बहुत मुश्किल चीज़ है जो शुरू में पढ़ता होगा ना, क्योंकि इतना अच्छी तरह से समझाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है विद्यार्थी को। मुझे पूरा विश्वास आप समझ गए होंगे इसमें क्या क्या पॉइंट, मेन पॉइंट क्या है, प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है वो मैं बता दिया, इसमें रहा क्या, ठीक है। चलिए ठीक है, तो यहाँ आपका टिंडल प्रभाव खत्म होता है, और यहीं पर आपका गुण था, ये किसका गुण था, कोलाइड का गुण खत्म करते हैं। अब आगे देखते हैं, ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं कोलाइड के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं। इसे आप इम्पोर्टेंट नहीं कह सकते, इसे आप महा इम्पोर्टेंट कह सकते हैं, समझ सकते हैं कितना VVI होगा, ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा, इसको हल्का में नहीं लीजिएगा, ठीक है।
पूछता ही पूछता है इससे सवाल, आता ही आता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कोलाइड के प्रकार। एक्चुअली कोलाइड में क्या होता है ना, एक तो प्रक्षेपण माध्यम होता है, एक प्रक्षेपित प्रवस्था होता है। अब प्रक्षेपण माध्यम क्या होता है, प्रक्षेपित प्रवस्था क्या होता है, बताए थे, याद है, नहीं है? चलिए फिर से बता देता हूँ आपको, बताया हूँ इसी चैप्टर में, बताया था मैंने, जब विलय नहीं होते थे कि विलायक क्या होता है, विलेय क्या है, तो विलायक क्या होता है ना, विलायक प्रक्षेपण माध्यम होता है, किसी मतलब उसमें उसकी मात्रा क्या होता है, ज़्यादा होता है, कहने मतलब ये है। और आपका विलय क्या है, प्रक्षेपित प्रवस्था है। आ रहा समझ में? यहाँ देखिए, कोलाइड एक प्रक्षेपित प्रवस्था है, कोलाइड जो है ना एक प्रक्षेपित प्रवस्था है, उसमें क्या होता है, उसके अंदर समाया हुआ नहीं रहता, किसके, खाली जगहों में, उसके चारों ओर प्रक्षेपित रहता है, यानी कि ऐसे ही उसके आसपास रहता है, इसको क्या बोलते हैं, प्रक्षेपित प्रवस्था, ठीक है, जो किसी प्रक्षेपण माध्यम से घिरा रहता है। किससे घिरा रहता है, प्रक्षेपण माध्यम से, इसमें ज़्यादा कौन रहेगा फिर, प्रक्षेपण माध्यम, जैसे नहीं बोले थे अभी क्या बोलते हैं, जल में अगर यदि कोई दूसरा चीज़ मिलाएंगे तो उसमें जल क्या होगा, उसके चारों ओर आ जाएगा, तो इसमें किसका मात्रा ज़्यादा होगा, हमेशा प्रक्षेपण माध्यम का मात्रा ज़्यादा होगा, प्रक्षेपित माध्यम का मात्रा कम होगा। आया समझ में? अब इसी बात को ध्यान पे रखते हुए इस तरह के चार कैटेगरी बनाए गए हैं, चारों को ध्यान में रखना है। सॉल, सॉल क्या होता है, यदि हम ठोस और द्रव को मिलाएंगे, ठोस और द्रव को मिलाकर एक कोलाइड विलयन बनाएंगे तो क्या होगा, वो सॉल कहलाएगा। तो विलयन कितना प्रकार का होता है, बताए थे ना अभी तक मैंने, तीन प्रकार का पढ़ा, कौन कौन सा, वास्तविक विलयन, कोलाइड और निलंबन, ठीक है। वास्तविक विलयन क्या होगा, समांग होगा, कोलाइड भी समांग होगा, निलंबन भी समांग होगा, ध्यान रखना ये बात। देखिए सॉल, सॉल में क्या होता है, ठोस और द्रव होता है। अब द्रव क्या है, प्रक्षेपण माध्यम है, ऑटोमेटिक है कि ये जो होगा उतना गाढ़ा नहीं होगा, थोड़ा सा पानी टाइप का होगा, लूज टाइप का होगा, ठीक है। जैसे कि आपका देखते हैं सोना, एक कोलाइडी सोना नहीं होता है, पेंट चलाते हैं सोना का कलर चढ़ा देते हैं ऊपर से, जंग ना लगे थोड़ा चमक, नहीं होता है, इसको रोल गोल में नहीं करते हैं, क्या रोल गोल जो कान में पहनते हैं, 20 रुपया 25 रुपया में आता है, उस पर क्या करते हैं, सोना का पानी चढ़ाया हुआ रहता है ना, वो पानी कैसा होता है, पतला टाइप का होता है, तो वो क्या हुआ, कोलाइडी सोना। उसमें क्या होता है, सोना जो भी जिस द्रव में घुलाया जाता है उसके चारों ओर क्या रहता है, अच्छी तरह से उसके बाहर में रहता है, अंदर नहीं समा पाता, ठीक है। अब उससे क्या होगा, तभी तो उसको हम उसको पेंट करेंगे तो सोना दिखेगा, यदि उसके कण के अंदर चला जाए, उसके रिक्त स्थानों में, तो क्या होगा, वो कभी दिखेगा, उसे पेंट करेंगे तो नहीं दिखेगा। आया समझ में? उसी तरह स्याही, स्याही में भी क्या होता है, आप देखते होंगे गाढ़ा होता है लेकिन पूरा ठोस तरह नहीं होता, क्या होता है उसमें, थोड़ा सा पानी की मात्रा ज़्यादा होता है, ठीक है। रंग, रंग में भी वही होता है, नहीं सियन पेंट लगे से पेंट करते हैं, जैसे कि दीवार वाल पेंट किया हुआ है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इसमें क्या होता है ना, जल में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्रक्षेपित अवस्था में रहता है, यानी प्रक्षेप क्या बोलते हैं, जल में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्रक्षेपण माध्यम का काम करता है, और सॉरी प्रक्षेपित अवस्था में रहता है, किस में रहता है, प्रक्षेपित अवस्था में, और इसमें जल क्या रहता है, प्रक्षेपण माध्यम का काम करता है, चारों तरफ से प्रक्षेपण करके रखता है, किसको, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को। इसका मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यूज कहाँ करते हैं पता है, कब्ज को दूर करने में, नहीं जब अच्छी तरह से फ्रेश ना हो ना, तो उस टाइम क्या करते हैं, इसका थोड़ा सा आता है, एक दो ठेपी पी लीजिए, पूरा क्लियर कर देगा, समझ में आ रहा ना, कब्ज उसी को बोलते हैं। अब देखिए पायस, कहने का मतलब क्या है, ठोस और द्रव को मिलाएंगे जिसमें क्या होना चाहिए, द्रव प्रक्षेपण माध्यम होना चाहिए, तो उसको क्या बोलेंगे हम, सॉल, ठीक है, भूलिएगा नहीं। अब दूसरा देखिए पायस, पायस में क्या होता है, द्रव द्रव को मिलाएंगे तो क्या होगा, ये पायस होगा, ठीक है। जैसे दूध, मक्खन, बाल में लगाने वाला क्रीम नहीं होता है, जब उसमें लिक्विड लिक्विड मिलाते हैं ना, जैसे कि देख लीजिए, अब दूध में क्या होता है, मक्खन नहीं होता है, घी, घी और पानी दोनों मिला हुआ रहता है, मिला रहता है ना, उसको बाद में ना अलग करते हैं, बड़ा क्या बोलते हैं, जला के पका के कैसे कैसे करते हैं, फेंट उठ के उससे घी निकालते हैं, निकालते हैं ना, तो यह क्या हुआ आपका, दूध पायस हो गया। अरे समझ में? अब दूसरा देखिए जेल, जेल क्या होता है, द्रव और ठोस, इसमें क्या होता है, ठोस की मात्रा ज़्यादा होगा और द्रव की मात्रा कम होगा। जैसे पनीर, पनीर देखें कितना कड़ा होता है, उसमें पानी रहता ही नहीं, रहता है, रहता है लेकिन कम रहता है, लेकिन ज़्यादा कौन सा मात्रा रहता है, ठोस वाला पदार्थ ज़्यादा रहता है, इसलिए पनीर हो गया, मक्खन हो गया, मक्खन देखे हो ना जो टिकिया मिलता है मक्खन का,
जब बर्गर खाते हुए ना उसे तवा पे दे देता है टिकिया को, उसके बाद आराम से उसको जला सका के दे देता है, एकदम स्वादिष्ट खाने में लगता है। तो वो क्या हुआ, मक्खन हुआ। जेल समझ में आ गया, जेल क्या होता, थोड़ा सा ज़्यादा टाइट होता है, यानी कि उसमें कठोर ठोस की मात्रा ज़्यादा रहेगा, ठोस घेरा रहेगा, यानी कि ठोस प्रक्षेपण माध्यम का काम करेगा। और एरोसोल, एरोसोल में क्या होता है, एरोसोल दो तरह का होता है, एक ठोस गैस गैस मिला के एरोसोल बनाते हैं, एक द्रव और गैस बना के, यानी कि एक गैसीय अवस्था में रहता है, चाहे दोनों जैसे भी अवस्था में रहे, द्रव में जब गैस ठोस मिला दिए, सॉरी गैस में जब ठोस मिला दिए तो क्या हो जाएगा, वो भी एरोसोल कहलाएगा। गैस में या फिर द्रव मिला दिए तो वो भी क्या कहलाएगा, एरोसोल ही कहलाएगा। यानी कि दोनों का कॉम्बिनेशन क्या होगा, हमेशा गैसीय अवस्था में ही पाएगा, यानी कि पाया जाएगा। जैसे देख लीजिए, धुआं, धुआं कैसे हुआ, उसमें धुआं में क्या होता है, आप देखिए उसमें छोटा छोटा कण होता है, लेकिन उसके चारों ओर क्या रहता है, वायु रहता है ना। तो वायु क्या हो गया, गैस हो गया, और ठोस क्या हो गया, धुआं का जो छोटा छोटा कण है, नहीं उड़ता छोटा छोटा, उसमें जो छोटा छोटा दाना दाना टाइप का होता है, ये क्या हो गया आपका, एरोसोल हो गया। अब आपको जैसे देख लीजिए, बादल और कुहासा, गैस में क्या होता है, गैस में बादल किसको बोलते हैं, गैस में जब जो वाष्प बन के उड़ जाता है, गैसीय अवस्था में रहता है, कौन, द्रव, क्या बोलते हैं, जल, तो उसको क्या बोलेंगे, बादल। और कुहासा किसको बोलेंगे, कुहासा में क्या होता है ना, द्रव अवस्था में पाया जाता है, यानी कि द्रव बना रहता है लेकिन छोटा छोटा बूंद के रूप में रहता है, वो उसको बोलते हैं कुहासा। यही अंतर है दोनों में, आ रहा समझ में, वो क्या होता है, वाष्प के रूप में रहता है, समझ रहे हैं ना, और कुहासा में क्या होता है, पानी के बूंद के रूप में, छोटा छोटा बूंद के रूप में रहता है। जैसे कि अभी ठंड में देखते होंगे कि हाथ में ऐसे कुछ देर कीजिएगा ना, उसमें पानी जम जाएगा, जमता है ना, तो वो क्या आपका कुहासा है। तो ये क्या आपका, ये सब एरोसोल का उदाहरण है। यहाँ तक आपका कितना, चार है, ये चार को अच्छी तरह से ध्यान में रखना है, ठीक है। यदि आपसे कहा जाए, कोई दूसरा उदाहरण इस तरह से दिया जाए कि उतना उसमें लगे कि उसमें ठोस की मात्रा ज़्यादा है, पानी की मात्रा, द्रव की मात्रा कम है, क्या कहलाएगा, वो जल कहलाएगा। कुछ ऐसा आपको उदाहरण दिया जाए कोलाइड का, जिसमें क्या हो, गैस ज़्यादा हो और ठोस और द्रव कम हो, तो क्या कहलाएगा, एरोसोल कहलाएगा। जब द्रव द्रव मिलाएंगे तो पायस, अरे समझ में, आप सरसों तेल को है ना पानी से मिलाइएगा, मिलेगा कभी, बोलिएगा नहीं मिलेगा, लेकिन कुछ देर देना दो बूंद ले लीजिएगा करवो तेल, ठीक है, और फिर थोड़ा सा पानी ले लीजिएगा, पूरा ऐसे से मिलाइएगा, वो भी मिल जाएगा, तो क्या बनेगा, पायस, आया समझ में। सौल, सौल में क्या होगा, जिसमें द्रव ज़्यादा हो और ठोस की मात्रा कम हो, वो क्या कहलाएगा, सौल। बिल्कुल ध्यान में रखना है, ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर हो गया। चलिए अब देखते हैं आगे, तो चलिए अब देखते हैं विलयन का सांद्रण या सामर्थ्य, ठीक है। विलयन की इकाई परिमाण आयतन या द्रव्यमान में घुले हुए विलय की मात्रा को विलयन का सांद्रण या सामर्थ्य कहते हैं। कहने का मतलब हुआ इकाई आयतन या इकाई द्रव्यमान में, ठीक है, एक उदाहरण से हम समझते हैं, पता चल जाएगा। मान के चलिए कोई 10 केजी का विलयन है, क्या है ये, विलयन है, ठीक है, 10 केजी का विलयन है, इसमें जो है 2 केजी कोई विलेय घुला हुआ है, विलेय क्या है, घुला हुआ है। अमूमन इसको जो हम अब ये देखना है कि इकाई में, इकाई द्रव्यमान में, कितने में, इकाई द्रव्यमान में, इकाई द्रव्यमान में कितना घुला हुआ होगा, 10 केजी में 2 केजी घुला हुआ है, तो 1 केजी में 2/10, अरे समझ में, तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा, 5 हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा, 1/5 केजी घुला हुआ है, कितना में, 1 केजी विलयन में 1/5 केजी क्या घुला हुआ है, कोई पदार्थ घुला हुआ है, यानी कि विलेय घुला हुआ है, समझ गए यहाँ तक। इसको हम क्या बोलते हैं, किसी विलयन का सांद्रण, उसकी क्षमता क्या है, इकाई में, इकाई से देखते हैं, जब हम लीटर लेना होता, अब लीटर में रहते हैं, यानी कि 10 लीटर में कोई चीज़ 2 लीटर हम घुला देते हैं, 10 लीटर, 10 लीटर कोई विलायक में, सॉरी 10 लीटर विलयन में, यानी कि 2 लीटर घुला हुआ है क्या, कोई पदार्थ, अरे समझ में, तो 1 लीटर विलयन में कितना घुला होगा, कितना घुला होगा, 1/5 लीटर, अरे समझ में। अब देखिए उसमें होता क्या है, लेकिन हम अमूमन जब निकालते हैं किस में निकालते हैं, 100 में निकालते हैं, यानी कि प्रतिशतता में निकालते हैं सामर्थ्य को। जब सामर्थ्य को हम 100 में निकालेंगे, क्या करेंगे, बस इसमें 100 से गुना कर देंगे, नहीं निकाल, 2 क्या था अपना, पदार्थ का द्रव्यमान था, नहीं था, बटा 10 क्या था, विलयन का द्रव्यमान था।
एक केजी का, एक केजी में कितना है, इतना है, एक बटा पाँच केजी, एक ही केजी में निकाले थे ना, एक केजी विलयन में एक बटा पाँच केजी आपका क्या है, विलेय है, कोई पदार्थ है। तो 100 में कितना होगा, 100 से गुना कर देंगे, तो यहाँ भी क्या किया गया, 100 से गुना कर दिया गया, तो ये क्या निकल गया, प्रतिशत में। पदार्थ का प्रतिशत द्रव्यमान बराबर क्या होता है, पदार्थ का द्रव्यमान बटा विलयन का द्रव्यमान गुना 100। उसी तरह से जब हम लीटर में निकालना हो, आयतन में निकालना हो, तो पदार्थ का प्रतिशत आयतन बराबर पदार्थ का आयतन बटा विलयन का आयतन गुना 100। एक उदाहरण से देख लेते हैं, कोई पदार्थ है, ठीक है, उसका 0.5 ग्राम आपके बुक में है, ठीक है, बुक में कई सारे न्यूमेरिकल दे रखे हैं, वो इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, ये जो मैं बता रहा हूँ ना आप इसको स्किप कर सकते हैं, लेकिन फॉर्मूला को थोड़ा याद कर लीजिएगा, ये सब समझ लीजिएगा बस, क्योंकि कहीं से भी क्वेश्चन आ रहा है, इसलिए हम रिस्क लेना नहीं चाह रहे, ठीक है। चलिए देखिए, पदार्थ कितना है, मान चलिए कोई पदार्थ है, यानी कि विलेय पदार्थ, मतलब कोई विलेय पदार्थ, तो वो कितना है, 0.5 ग्राम है। विलायक कितना है, 25 ग्राम। तो हम किस में देखने हैं, विलयन में, कि इकाई विलयन में है ना, इकाई विलयन में कितना कोई विलयन घुला हुआ है, कोई विलेय घुला हुआ है। तो देखिए, विलेय मेरा क्या 0.5 ग्राम, विलायक है 25 ग्राम, तो विलयन कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, विलयन आ जाएगा, तो कितना ग्राम हो जाएगा, 25.05 ग्राम, ठीक है। तो पदार्थ की प्रतिशत मात्रा में निकालने बोल रहा है, तो क्या निकालेंगे, फॉर्मूला क्या होता है, पदार्थ का द्रव्यमान, पदार्थ का द्रव्यमान कितना है, 0.5 बटा विलयन का द्रव्यमान कितना होगा, दोनों को जोड़ेंगे तो विलयन का द्रव्यमान निकल जाएगा, 25 प्लस 0.5 गुना 100, 0.5 बटा 25.5 गुना 100। इसको देखिए, जब भी केमिस्ट्री का कोई सवाल बनता है ना, उसको कैलकुलेटर पे ही हल किया जाता है, क्योंकि उसका थोड़ा सा कैलकुलेशन हार्ड होता है, ऐसे परीक्षा में इतना इस तरह से पूछा जाता है आपको, जैसे आप रेलवे में बैठिएगा, जो कि आप अपने हाथों से हल कर सके जल्दी, ठीक है, वो लोग इस तरह से सेट किया हुआ रहता है, इसलिए घबराना नहीं है। लेकिन बुक में क्या होता है, जो दिया हुआ रहता है उसको आपको कैलकुलेटर से हल करना पड़ेगा, यदि खुद से भी करेंगे थोड़ा सा टाइम लगेगा, मैं टाइम बचाने के लिए थोड़ा सा पहले से इसका सोल्यूशन लेके रखता हूँ, ठीक है, टेंशन नहीं लेना है। जब इसको हम हल करेंगे तो कितना होगा, 1.96% कहलाएगा, आ रहा समझ में। तो ये क्या था, विलयन का संधारणीय सामर्थ्य। आपका ये चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है, ठीक है, थोड़ा सा लंबा चैप्टर था लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर था, ठीक है। तो देख लीजिए आज का क्वेश्चन, सॉरी पहले आंसर था ना, पिछले क्लास का आंसर आपको दिख रहा होगा, और क्या बोलते हैं, अभी जितना पढ़ाया उसी में से मैं ऑब्जेक्टिव निकाल के आपको दे रहा हूँ बोर्ड पे, इसको कृपया हल कीजिएगा, ठीक है, छोड़िएगा नहीं, मिस नहीं कीजिएगा, इसको बनाइए। यदि समझ में नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं उसका जवाब दूंगा, ठीक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं उसका जवाब, उस कमेंट का स्क्रीनशॉट लेके मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे उसके द्वारा उसका सॉल्यूशन भी मैं दूंगा, ठीक है, टेंशन नहीं लेना है इसका, ओके भाई।